करो स्टार्ट। ओके, 3K काउंट पे वेबिनार स्टार्ट करते हैं। चलते ठीक है। 3 सागर बो नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। 1 वी आर लाइव। आत्मनिर्भर कृषी वेबिनार मालिकेमध्ये आपलं मी श्री शीतल करपे कॉटन गुरु परिवारातर्फे सगळ्यांचं स्वागत करते। या वेबिनार मध्ये आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी कॉटन गुरुचे प्रमुख माननीय श्री मनीष डागा सर, तसेच एमसीएक्स मधून आलेले बदरुद्दीन खान सर आणि कृषी तज्ज्ञ पुरुषोत्तम जी शर्मा सर, त्याचबरोबर नवरचना अॅग्रीटेक परळी मधून जुडलेल्या सर्व बीओडी मेंबर्सचे मी स्वागत करते। कार्यक्रमाची सुरुवात करताना आता मी काही स्लाइड्स दाखवते, म्हणजे ते याच्यावर आधारित आहे। आजकालचे जग हे तंत्रज्ञानावर जास्त आधारित आहे आणि कॉटन गुरुनेही शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी एक ऍप बनवलं आहे, त्याची मी स्लाइड्स आपल्याला आता दाखवते। आजच्या कार्यक्रमाची रूपरेखा सांगून द्या पहिले, आज काय काय होणार आहे। आज आपण वेबिनार मध्ये पहिलं मार्केटिंग विषयी चर्चा करूया, नंतर भविष्यातील कल यावर जोखीम व्यवस्थापन कसं केलं जाईल त्यात एमसीएक्स मधून आलेले सर आपल्याला मार्गदर्शन करतील, आणि तिसऱ्या टप्प्यात आपल्या ज्या समस्या आहेत त्याच्यावर आपल्याला कृषी तज्ज्ञ हे मार्गदर्शन करतील। शेतकरी मित्रांनो, आपल्याकडे दोन विषय खूप महत्वाचे आहे। एक आहे की कृषी उत्पन्न कसं वाढवायचं, मार्केटिंग कसं करायचं, हे एक विषय झाला। आणि दुसरा विषय आहे की आता जे सध्या वातावरण जसं झालं आहे त्याच्यावर रोग येत आहे, ते रोगावर विजय मिळवून उत्पन्न कसं वाचवायचं ते आपण आज बघणार आहोत। स्लाइड शो हो रहा है सबको? दिख रहा है मैडम, थोड़ा अगर स्क्रीन हो सकेगा तो देखिए। अभी शो हो रहा है? हाँ। कृषि के माध्यम से समृद्धि की कुंजी मोबाइल ऐप कॉटन गुरु महाएफपीओ फेडरेशन में किसानों द्वारा किसानों के लिए बनाई गई किसानों की एक कंपनी, किसानों के लिए सदस्य किसानों के लिए विशेष लाभ। कॉटन गुरु महाएफपीओ फेडरेशन सदस्य बनने का सुनहरा अवसर, खरीदारों को आपके दरवाजे तक लाना, नगद खरीदारी सुविधा, किसानों के लिए विशेष मोबाइल ऐप, उसमें मौसम की जानकारी, कीड़े और रोगों के बारे में उपचारात्मक सूचनात्मक उपाय, अद्यावत बाजार रिपोर्ट देने के लिए, आध्यात्मिक छूट के लिए, विभिन्न उर्वरक बीज और कृषि उपकरण कंपनियों के साथ बातचीत, अद्वितीय डिजिटल फोटो आईडी और कई अन्य सेवा। कॉटन गुरु महा एफपीओ फेडरेशन बनने का स्वर्ण अवसर।
मार्केटिंग विषयी आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी मी कॉटन गुरुचे प्रमुख श्री माननीय मनीष दागा सर यांना आमंत्रित करते. कॉटन गुरुचा आत्मनिर्भर कृषी या वेबिनार मालिकेमध्ये जोडलेल्या एफपीओचे डायरेक्टर गण, एफपीओचे सदस्य, शेअरधारक, शेतकरी आणि आमंत्रित गेस्टला आमचा खूप खूप आमचं स्वागत आहे. आणि आजचा कार्यक्रमचा उद्देश हे आहे की आपल्याला मागच्या वर्षी कापसाचे भाव मिळाले, 7-6 वर्षानंतर असे भाव आले की आपल्याला वाटतं नाही शेतकरीला पण उपर वरती कोणी बघत आहे. म्हणजे 6,000 तर वर आपल्याला पाहिजे होते, ते 12,000 रुपयाचे भाव मिळाले. पण एका हाती आपल्याला काय मिळालं पण दुसऱ्या हाती आपल्याकडून आपल्या हातून काय गेलं पण आहे, आणि ते आहे उत्पन्न. 20% उत्पन्न कमी झाला मागच्या वर्षी, आणि ते मुख्यतः महाराष्ट्रामध्ये कमी झाला म्हणून हे भाव वाढले होते. तर अशी तेजी पुन्हा पुन्हा येणार नाही शेतकरी मित्रांनो. आपल्याला 12,000 ते 10,000 जे भाव आहे त्याला आपण बेंचमार्क नाही धरू शकत, आपला लक्ष्य असू शकते ते असे भाव आपल्याला मिळाले पाहिजे. याच्यासाठी 2 मार्ग आहे. एक आहे की तुम्ही सेंद्रिय शेती करा. सेंद्रिय शेतीचं सर्टिफिकेशन मिळाल्यानंतर त्याच्यावर चांगला प्रीमियम मिळत आहे. कॉटन गुरुचे खूप सारे प्रोजेक्ट चालू आहे सेंद्रिय शेतीचे, त्याच्यामध्ये तुम्ही जोडू शकता. दुसरे आहे की तुम्ही क्वालिटी चांगली बनवा आणि ब्रँडिंग करा. परवा दिवशी दिल्लीमध्ये खूप मोठी मीटिंग झाली होती, कृषी मंत्री आणि कापड मंत्री हे दोघेही एकाच मंचावर आले होते आणि उद्देश एकच होता की कापसाचं उत्पन्न कसं वाढवायचं आणि कापसाला ब्रँडिंग कसं करायचं, फार्म ते फॉरेन ला घेऊन जाण्यासाठी हे दोघेही आवश्यक आहे. तर आपला शेतकऱ्याचा रोल कुठे येतो, कॉटन गुरुला तिथे भारतामधून एकमात्र शेतकऱ्याचा प्रतिनिधी म्हणून आमंत्रित केला गेला होता. आणि आमचं जेव्हा त्यांनी सूचन विचारले आम्ही एकच सांगितलं की शेतकरीला तुम्ही एकटा सोडू नका. शेतकरी उत्पन्न वाढून घेणार, शेतकरी गुणवत्ताचा सुधार करून देणार, शेतकरी ब्रँडिंग करून घेणार हे शक्य नाही आहे. पण तुमचा साथ असला, सहकार असला आणि थोडा तुम्ही जर फायनान्शियली पैसे देऊन जर आमच्या प्रोजेक्टमध्ये आम्हाला सपोर्ट केले तर एफपीओ खूप काही काम करू शकत आहे. एफपीओची ताकद वेगळी आहे, विशेष आहे. आणि एफपीओ जर या मार्गावर चालण्याची जर एफपीओने सुरुवात केली तर प्रगतीचा कुठेही आपण सांगू शकतो अंत नाही. तर हा अशी संधी जेव्हा आपल्याला दिसते, पूर्ण उद्योग आपल्याकडे आता बघत आहे की एफपीओ नवीन काय करणार आहे, तिथे ही वेबिनार मालिकेचा महत्व खूप वाढून जात आहे. एक तर आहे टायमिंग, आम्ही ज्या वेळेला वेबिनार करतो त्या वेळेचं जे दृश्य आहे किंवा त्या वेळेची जी परिस्थिती आहे त्याचा वरच बोलतो. आज मी खूप सारा भाषण जर फक्त ब्रँडिंगवर दिला आणि फक्त तुम्हाला सांगितलं की कापूस येणार तेव्हा हे करा ते करा, तुम्ही म्हणणार काय बाजून तर आमचा कापूस जमिनीचा वर 1 फूट पण नाही आला आहे, पाऊस रोज पडत आहे, पाणी साठलेलं आहे, रोग आलेले आहे, पाणी पिवळे पडत आहे. आता इथे तुम्ही कुठे स्वप्न दाखवत आहात. तर आजची वेळ अशी आहे की रोगावर आपल्याला विजय मिळवायचा आहे, कुदरत जे आहे ते होणारच आहे, पाऊस अतिवृष्टी पण होऊ शकते आणि 1-1.5 महिन्याचा गॅप पण येऊ शकतो पावसामध्ये, त्याला सामना करून आणि त्याच्यावर उपाय मिळवूनच आपल्याला पुढे जायचं आहे. कारण आपण शेतकरी आहोत, 10,000 वर्षाने आपण शेतीच केली आहे आणि शेती आपला मुख्य व्यापार पण आहे आणि व्यवसाय पण आहे. तर इथे म्हणून 3 विषयामध्ये आपल्याला याला या कार्यक्रमाला घेतलं आहे. पहिले आहे की बाजारविषयी माहिती, तर त्याच्यावर मी बोलणार आहे. आता मी तुम्हाला हे सांगू इच्छितो की मागच्या वर्षी आपण 7-8 हजार रुपये प्रति क्विंटलवर बाजारची सुरुवात झाली होती, 13,000 रुपये पर्यंत बाजार केले होते. कुठे कुठे थोड्या मंडीमध्ये 14,000 ते पण भाव मिळाले होते, पण सरासरी शेतकऱ्याला 8,000 ते 10,000 मध्ये भाव मिळाले होते मागच्या वर्षी. आणि ज्यांच्याकडे शिल्लक राहिला कापूस शेवटी त्यांनी वर भाव मध्ये विकला. या वर्षी चित्र थोडा वेगळा आहे. या वर्षी तुम्ही बघणार आता जे माझ्या नंतरचे जे स्पीकर येणार MCX वाले बदरुद्दीनजी, ते तुम्हाला तुम्ही त्यांना विचारा की ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर ते भाव आणि आजचा भाव मध्ये काय फरक आहे, तुम्ही समजून घ्या. फ्युचरमध्ये हे सर्व दिसत आहे, तुम्हाला घरी बसून मोबाईलमध्ये हे सर्व दिसू शकणार आहे
आणि त्याचा कसं आपल्याला निष्कर्ष काढायचा हे मी तुम्हाला एक टिप देतो. आणि गुरुमंत्र हे आहे की एमसीएक्सचा फ्युचरमध्ये भाव बघत राहायचे की जुलैचे काय भाव आहे आणि नोव्हेंबरचे काय भाव आहे. तुमचा कापूस बाजारमध्ये येणार ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये आणि ते गाठीमध्ये त्याला परिवर्तित करून जिनर त्याला बाजारमध्ये विकणार ते भाव एमसीएक्सचे दिसत आहे. तर नोव्हेंबरमध्ये भाव जे सध्या दिसत आहे ते कमी आहे आजपासून. तर हे दाखवत आहे की कापसाचा बाजार खाली जाणार आहे अशी परिस्थिती आज आहे. आता मी हे नाही तुम्हाला दावाने सांगत आहे की तशी राहणार आहे, पण हे सांगू शकतो की मागच्या वर्षी जे आपल्याला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाव मिळाले, जे ऐतिहासिक भाव मिळाले, ते यावर्षी नाही मिळाले तरी चिंता करू नका. कारण की जर तुमचा उत्पन्न वाढला आणि खर्च कमी झाला तर तुमचा नफा तर वाढणारच आहे आणि याच्यावर आपल्याला लक्ष द्यायचं आहे. तर हे झालं बाजारविषयी टिप. आणि अजून दर महिन्यामध्ये आम्ही तुम्हाला सांगत राहणार आहोत की बाजार कुठे चाललाय, काय दिसलाय, काय 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 होणार आहे पुढे जाऊन. बाहेर एक्सपोर्टमध्ये निर्यातमध्ये खूप चांगली माग राहणार आहे पुढे जाऊन. सध्या कमी आहे कारण की कापूसच नाही आहे, पण भारताकडून खरेदी करण्यासाठी बांगलादेश, व्हिएतनाम असे देश खूप उत्सुक आहे, त्यांना खूप कापूस पाहिजे. पण दुसरा प्रश्न येत आहे गुणवत्तेचा. भाव कशाला मिळणार आहे? गुणवत्तेला. 24 कॅरेट तुम्ही सोना घेतला आणि तुम्ही 16 कॅरेट सोना घेतला एकच भाव तुम्ही देणार आहात का? कोणी उत्तर देणार का? 16 कॅरेट आणि 24 कॅरेटचा भाव एकच असू शकते का? विशाल? नाही नाही ना. बरोबर आहे. 24 कॅरेटला जास्त भाव मिळणार आणि 16 कॅरेटला कमी मिळणार. ओके ना बालाजी भाऊ? ओके बरोबर आहे. आता कापसाचं पण तसंच आहे. आपल्याला 24 कॅरेटचा कापूस पिकवायचा आहे, चांगले बियाणे घ्यायचं आहे, चांगली शेती करायची आहे, कापणी झाल्यानंतर साठवणी चांगली करायची आहे आणि वेळेवर चांगल्या खरीददाराला चांगल्या भावाने आपल्याला विकायचं आहे. तर हे जे 24 कॅरेट सोना आहे त्याचा आपल्याला 24 कॅरेटचा मोल पण मिळणार आहे. पाहिजे की नाही आपल्याला ते? शेतीमधूनच आपला व्यवसाय चालला आहे तर शेतीमधूनच आपल्या घरामध्ये भरती झाली पाहिजे आणि नफा मिळाला पाहिजे. तुमचे जे जे स्वप्न आहे, घर बनवायचं आहे, गाडी घ्यायची आहे, मोटरसायकल घ्यायची आहे, ट्रॅक्टर घ्यायची आहे, मुलांना चांगल्या शाळेमध्ये ऍडमिशन मिळून द्यायचं आहे, ते पैसे शेतीमधून आले पाहिजे, लॉटरी काढून नाही. पण ते शक्य आहे असं जर या मार्गावर तुम्ही चाललात तर. बरोबर. तर एक झालं उत्पन्न, दुसरं झालं गुणवत्ता आणि तिसरी झाली बाजारशी साठगाठ. तशी तुमचा कनेक्शन तुमचा कसं राहत आहे, बाहेर की कॉन्टॅक्ट संपर्क मध्ये सतत राहा. एफपीओ आहात तुम्ही, तुमचं कामच व्यवसाय करणं आहे आणि तुमचं कामच शेतकऱ्यांना खरीदाराशी जोडणं आहे. तर कॉटन गुरु महा एफपीओ हे काम सतत करत आहे आणि खूप सारे एफपीओ आमच्याशी जे जोडलेले आहे त्यांना हे मार्गदर्शन चालू आहे. तुम्हाला पण निमंत्रण आहे की तुम्ही पण या मेन स्ट्रीम मध्ये सतत संपर्क मध्ये राहा. कारण की आम्ही जे 35,000 शेतकरी आहे त्यांच्या डायरेक्ट संपर्क मध्ये राहणं अशक्य आहे. पण तुमचा केव्हाही संपर्क आला, फोन आला की आमच्याकडे इतका कापूस आहे, इतका विकायचा आहे सध्या, तर आम्ही लगेच तुम्हाला बाहेरशी जोडून देणार. कापूस शिवाय आपण सोयाबीन आहे, मक्का आहे, तूर आहे, हरभरा आहे याच्यासाठी पण बाहेर देतो, हळद आहे याच्यासाठी पण बाहेर देतो, पण मुख्य पीक फोकस आपला कापसावर आहे. तर आता जे एक दुसरी संधी मी तुम्हाला जी दाखवू इच्छितो ते आहे फ्युचर्स ट्रेड. फ्युचर म्हणजे भविष्य. तर भविष्यामध्ये जे करण्यासारखं आहे ते काम आपण आज सुरू केला तर आपला भविष्य पण उज्ज्वल होणार आहे. तर कापसामध्ये, कॉटनमध्ये, रुईच्या गाठीमध्ये फ्युचर्स ट्रेड चालू आहे आणि या फ्युचर्स ट्रेडमध्ये आता एमसीएच सारखी संस्था शेतकऱ्याला जोडू इच्छिते, एफपीओला जोडू इच्छिते. एकटा शेतकरी तर इथे काय करू शकणार नाही, पण एफपीओ डेफिनेट करू शकणार. आणि तुम्ही एफपीओ जर कॉटन गुरु माय एफपीओ मध्ये जुडला तर आपला संघटन बनून आपण मोठा काम इकडे करू शकणार. आणि तुम्हाला काय इथून मिळणार आहे, दोन तुम्हाला गोष्ट मिळणार आहे. एक आहे प्राइस डिस्कवरी आपण ज्याला म्हणतो, म्हणजे भावा बाजारचा कल तुम्हाला मिळणार. उद्या काय बाजार राहणार आहे जे मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं, 3 महिन्यानंतर बाजार काय राहणार आहे, 4 महिन्यानंतर काय राहणार आहे, तर कापूस ठेवायचा, कापूस विकायचा हे निर्णय तुम्ही स्पष्टपणे करू शकता. हा फायदा तुम्हाला होणार आहे. तर एक झाली प्राइस डिस्कवरी म्हणजे बाजारचा कल. दुसरा झाला हेजिंग, म्हणजे आपल्याकडे जर आज
आज आपल्या एफपीओ मध्ये जर 1,000 एकर आहे आणि 1,000 गाठीचा माल 5,000 क्विंटल कापूस येणार आहे, तर 5 क्विंटलचा सरासरी उत्पन्न आपण धरला, 5,000 क्विंटल येणार आहे, त्याच्यामधून 1,000 गाठी बनणार आहे, तर त्याचा भाव आपण हेज करून आपल्याला सेफ गार्ड करता येतो की आपल्याला जर एमसीएक्स मध्ये आपण हेजिंग करून घेतले आणि बाजार त्यानंतर कमी पण झाला तरी आपल्याला भाव ची सेफ्टी असते, बाजार वाढला तरी पण आपण माल बाजारमध्ये विकून तिकडे आपण स्क्वेअर ऑफ करू शकतो अशी संधी तुम्हाला दाखवणार आहे. याच्यासाठी मी विनंती करतो बदरुद्दीनजी खान एमसीएक्स मधून आलेले आहे, खूप मोठी संस्था आहे आणि एफपीओ साठी खूप काम ते करत आहे, त्यांना करायचं आहे आणि कॉटन गुरुच्या प्लॅटफॉर्मची निवड त्यांनी केलेली आहे. बदरुद्दीनजी मैंने मराठी में बोला, कुछ आप समझे होंगे, कहना चाह रहा था कि एमसीएक्स आज किस हद तक किसानों के लिए करने के लिए एक नहीं चार स्टेप आगे आ गया. अब एफपीओ की जिम्मेदारी है कि वो एक कदम आगे बढ़ाए और एमसीएक्स से हाथ मिला के अपने भविष्य को उज्जवल बनाए. इस बदरुद्दीन जी के आज इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिएगा, इसमें जो भी डाउट होगा आप प्रश्न आज भी पूछ सकते हैं. ये हमारा यूट्यूब पे भी लाइव है, इसकी लिंक आपके एफपीओ में भेजी जाएगी, उस पर भी शांति से देखने के बाद आपके किसानों के भी कोई प्रश्न आते हैं तो भी आप इनसे पूछ सकते हैं. ये हमेशा तत्पर रहते हैं उसका जवाब देने के लिए. इस वक्तव्य के बाद हम कॉटन में आज क्या रोग आए हैं, इसका निवारण हम किस तरह कम खर्चे में कर सकते हैं, इसके लिए पुरुषोत्तम जी शर्मा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे. तो बिल्कुल जाइएगा नहीं. और ये जो प्रेजेंटेशन बदरुद्दीन जी का एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म का है, इस अपॉर्चुनिटी को आप अपनाएंगे ऐसी हमारी आशा है. जी बदरुद्दीन, थैंक यू वेरी मच मनीष दागा जी, और क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज किया उसके लिए स्पेशल थैंक्स, और जितने लोग पार्टिसिपेंट्स आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस टाइम सब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. तो आज का टॉपिक है हमारा कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम है मेनली कि कॉटन हेजिंग क्या होता है, प्राइस रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, और एफपीओ कैसे बेनिफिट इसका उठा सकती है, क्या क्या लाभ हम लोग दे रहे हैं एफपीओ को, और कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे डिपॉजिट होता है, और प्राइस डिस्कवरी कैसे होती है, उस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे. तो कोई भी देखिए फाइनेंशियल मार्केट कोई भी होता है उसमें ट्रेड व्यापार करने के लिए खरीदने बेचने के लिए कम से कम दो आदमी होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो या डेट मार्केट हो या करेंसी मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट हो, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कमोडिटी मार्केट. तो ये सारे फाइनेंशियल मार्केट हैं सब, कैपिटल मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, लेकिन आज हम लोग कमोडिटी मार्केट पर ही डिस्कस करेंगे, और मेनली कॉटन और कपास. देखिए कमोडिटी एक्सचेंज क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि बाजार तो जैसे है पीएमसी मार्केट है या गांव से कोई खरीद के ले जाता है वो सब रहता है, लेकिन ये एक्सचेंज क्या है, कई किसान को अभी नहीं पता होगा कि एक्सचेंज क्या है. तो इसको भी एक मार्केट समझे किसान, कि ये भी एक मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहाँ पे कुछ सेलेक्टेड कमोडिटी व्यापार होता है, जैसे कपास, काटन, मिथाइल, और सीपीओ भी ट्रेड होता था अभी बंद हो गया, रबर ट्रेड हो रहा है, ये सब एग्रीकल्चरल कमोडिटी हमारे यहाँ ट्रेड होते हैं, बाकी अपना गोल्ड सिल्वर इस सब का भी व्यापार होता है. तो इसको एक मार्केट समझना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड होता है और बहुत लोग इसमें शामिल होते हैं खरीदने बेचने के लिए, और एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है. ये कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड का मतलब एक लॉट साइज रहेगा, एक क्वालिटी सब पहले से मेंशन रहेगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होगा, मंथ वाइज महीने के लास्ट पर एक्सपायर होता है, ये सब पहले से लिखा रहता है, उसी हिसाब से ये व्यापार होता है कि उसी क्वालिटी का माल रहेगा, ये रेट रहेगा, अगर उससे अच्छा आया तो और पैसा मिलेगा प्रीमियम, खराब आया तो डिस्काउंट, बहुत खराब है तो हमारे यहाँ रिजेक्ट हो जाएगा, रखा नहीं रहेगा, तो वो सब लिखा रहता है उसमें पहले से. और सारे एक्सचेंजेस का रेगुलेटर से भी है, चाहे कमोडिटी का हो या इक्विटी का हो, चाहे मतलब जैसे NSE, BSE, MCX, SEBI, ये सारे एक्सचेंज जितने हैं सब रेगुलेटेड बाई SEBI है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. जैसे बैंक का रेगुलेटर एक RBI है, वैसे एक्सचेंजेस का जितने इंडिया में सबका रेगुलेटर SEBI. और एक्सचेंज प्राइस फिक्स करने में इसका कोई रोल नहीं रहता, एक ट्रांसपेरेंट हम प्राइस देते हैं और न्यूट्रल पार्टी है, बायर सेलर ही डिटरमाइन करते हैं प्राइस, डिपेंड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन. फ्यूचर मार्केट में
आगे का 3-4 महीना आगे का प्राइस सिग्नल मिल जाता है। अभी हमारे पास आज जो ट्रेड हो रहा है जैसे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने का रेट आज हमारे यहाँ ट्रेड हो रहा है, तो जिस महीने में जिसको बेचना है जो सुटेबल लगे वैसा बेच सकता है, यानी कि 3-4 महीना पहले 6 महीना पहले की प्लानिंग कर सकता है। किसान बिजाई के समय ही यानी मई में बिजाई किसान शुरू करता है, 2 मई को हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो जाता है। किसान जब बिजाई करता है तो समझता है कि रेट अच्छा है उस टाइम मई में, लेकिन वो रहता लीन पीरियड, मार्केट में अवेलेबिलिटी कम रहती है कपास और कटान की, तो रेट ज्यादा रहता है क्योंकि मार्केट में माल कम है। किसान के यहाँ आता है घर पे अक्टूबर नवंबर में जब पिकिंग करके लाता है तो अराइवल प्रेशर पड़ता है, तो जनरली उस पीरियड में डाउन आ जाता है अगर सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन है तो उसमें किसान को जो भी रेट मिलता है उतने में बेचता है, उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहता कि कहीं और जाके बेचे। तो इस एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि इसमें पहले ही सोइंग के समय ही चाहे तो सेल कर दे, यानी मई मंथ में जून मंथ में चाहे तो अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बेच सकता है, तो जितने में बेचेगा वो प्राइस उसका फिक्स हो जाएगा, फिर वैसा क्वालिटी का माल बना के हमारे गोडाउन में ला के डिपोजिट कर दे तो जितने में बेचा है उतना पैसा उसको मिल जाएगा। कीमत चाहे फिर घटे अक्टूबर या नवंबर में या बढ़े उससे कोई मतलब नहीं, उसको देखना नहीं कीमत घटा है या बढ़ा, जितने में बेचा है उतना फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना प्राइस घटने बढ़ने से जो नुकसान होने का पॉसिबिलिटी था उससे आदमी बच जाएगा। और भी कोई पॉलिसी मेकर है किसान के अलावा जैसे स्पिनिंग मिल वाले हैं, अगर पहले से ही पता हो जाए कि जब किसान लाएगा माल तो हमें किस रेट पे मिल जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो वो भी आगे का प्लान कर सकता है कि हम इस रेट पे अक्टूबर का खरीद रहा हूँ नवंबर का खरीद रहा हूँ दिसंबर का खरीद रहा हूँ, तो आगे बेचने का भी कमिटमेंट कर सकता है कि हम इस रेट पे आपको धागा दे पाएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल का रेट अगर मालूम हो गया तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने में और उसका प्राइस फिक्स करने में उनको दिक्कत नहीं होगी। या कोई एक्सपोर्टर आज चाहे तो नवंबर दिसंबर का फिक्स कर ले प्राइस बांग्लादेश चाइना या कहीं भी जहाँ वियतनाम जहाँ पे एक्सपोर्ट करना है उसको, और सेम क्वांटिटी हमारे यहाँ बाई कर ले, फिर हमारे गोडाउन से लेके नवंबर या दिसंबर में वहां से एक्सपोर्ट कर देगा, तो ये बहुत अच्छी चीज है। फिर कीमत घटे या बढ़े उससे कोई जोखिम नहीं रहेगा उसका, जिसने में रेट फिक्स किया है उतने में बेच देगा। तो इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट रहते हैं इसलिए प्राइस डिस्कवरी अच्छी होती है, और कोई भी चाहे चाहे खरीदना कंज्यूमर हो या बायर हो या अपना प्रोड्यूसर हो, दोनों लोग अपना इसमें हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग मतलब प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, यानी कीमत घटने बढ़ने से कोई फर्क ना पड़े ऐसा मेथड है जो जिसे हेजिंग कहते हैं। एक जगह गेन होगा दूसरे मार्केट में लॉस होता है, तो नेट नेट नो प्रॉफिट नो लॉस अप्रोक्सीमेटली या थोड़ा बहुत फर्क आता है। ये हो गया एक्सचेंज के बारे में। और मार्केट है एक्सचेंज के अलावा जैसे स्पॉट मार्केट है, यानी कोई भी आदमी जाए मार्केट में या गांव में जितना क्वांटिटी है अगर बायर को पसंद आया पैसा दिया लेके चला गया, तो ये हो गया फिजिकल मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट एक होता है जिसमें एग्रीमेंट हो जाता है जिनर और किसान के बीच में कि इतना क्वांटिटी मैं अक्टूबर में लूंगा, इतना नवंबर में लूंगा, इस रेट में लूंगा, इस क्वालिटी का माल रहेगा। लेकिन उसमें बहुत दिक्कत आई है, कुछ लोगों ने शुरू किया था लेकिन काफी प्राइस अगर फ्लक्चुएट हुआ प्राइस नीचे आ गया तो बायर कह देगा नहीं लूंगा आपसे, हमें मार्केट में सस्ता मिल रहा है, या और कोई बहाना बना के नहीं लेगा, या बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गया तो सेलर भी जो कमिटमेंट किया है कि हम पैदा करके देंगे किसान या जिनर, तो वो भी मना कर सकता है कि मैं नहीं दे पाऊंगा, बाहर बेच लूंगा महंगा मिलेगा। तो उसमें कोर्ट में भी कुछ इसका लीगल नहीं कर सकते क्योंकि ये एग्रीमेंट दो लोगों में बायर और सेलर में नेगोशिएशन है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में ये बेनिफिट है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है, जितने में बेचा है या जितने में कोई खरीदा है वो रेट फिक्स है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, और एक तो गड़बड़ी नहीं होगी ट्रांसपेरेंट है, और दूसरा है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा है, हजारों लोग डेली ट्रेड करते हैं, 200-250 करोड़ का डेली का हमारा कॉटन का टर्नओवर होता है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग इसमें ट्रेड करते हैं 1200 सिटी में तकरीबन टाउन और सिटी मिला के। तो ज्यादा पार्टिसिपेंट रहेंगे तो प्राइस डिस्कवरी अच्छी होगी, और ट्रांसपेरेंसी है इसलिए लोगों का ट्रस्ट पड़ता है, जैसे बैंक का रेगुलेटर मैंने बताया RBI है, वैसे ऐसे इसका रेगुलेटर एक्सचेंजेस का रेगुलेटर SEBI है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को
रिपोर्ट करते हैं सेबी वाले, और डे टू डे की एक्टिविटी वॉच करते रहते हैं किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक डिलीवरी लोकेशन रहेगा, जिससे हमारा गुजरात में मेन राजकोट है, एडिशनल डिलीवरी सेंटर खड़ी है, मुंद्रा है, और महाराष्ट्र में है, फिर आदिलाबाद में है, यहाँ पे हमारा डिलीवरी सेंटर है, वहीं पे आपको डिलीवरी देना रहेगा। और एक क्वांटिटी फिक्स रहता है, जैसे 25 बेल का हमारा एक लॉट, 25 बेल का एक लॉट है, एक बेल में 170 kg लिंट रहता है। क्वालिटी फिक्स रहेगा कि इतना लेंथ रहेगा, इतना माइक रहेगा, इतना मॉइस्चर, इतना ट्रेस, सब मेंशन रहेगा। ये प्राइस स्क्रीन पे जो दिखेगा वो प्राइस रहेगा। और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट 1875 में ही इंडिया में शुरू हो गया था बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन के नाम से, लेकिन ये तकरीबन 100 साल के आसपास चला, 1970 में ये सब बंद हो गया, और फिर से ये 2003 में फ्यूचर मार्केट का कॉन्सेप्ट इंडिया में शुरू हुआ, लेकिन कॉटन में हम लोगों ने 2011 से शुरू किया। और कुछ कमोडिटी हमारे यहाँ जो ट्रेड होती हैं, तो उसको 4 सेगमेंट में हमने डिवाइड किया, बुलियन, एनर्जी, मेटल, एग्रीकल्चरल। बुलियन में गोल्ड सिल्वर ट्रेड होता है, एनर्जी में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, मेटल में एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, निकल, जिंक, ये सब ट्रेड होता है। एग्रीकल्चरल में हमारे यहाँ कपास, कॉटन, मेंथा, रबर, ये सब ट्रेड होता है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कपास और कॉटन। ये पूरा इकोसिस्टम है, जैसे कोई इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, फार्मर, कॉर्पोरेट, होलसेल वाले, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, स्पिनर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब पार्टिसिपेंट हमारे हो सकते हैं इसमें, जो खरीदने बेचने वाले फार्मर्स हो या ट्रेडर हो, सभी पहले लाते हैं हमारे गोडाउन में, वहाँ पे क्वालिटी चेक होता है, कितना मॉइस्चर है, किस क्वालिटी का माल है, सारा लैब में जाता है, जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद वेयर हाउस में डिपॉजिट होगा, फिर की है ना एक रिसिप्ट जनरेट होगा CCRL के थ्रू से, फिर वो वेयर हाउस में रखा रहेगा, जब एक्सपायरी आएगी तो वो डिलीवरी दे सकता है। और हमारे यहाँ कुछ है, ये सारे जो तकरीबन 30-32 हजार करोड़ का डेली टर्नओवर है, उसमें मेजर मार्केट शेयर हमारा गोल्ड, क्रूड ऑयल का रहता है, उसके बाद बेस मेटल वगैरह में है। कॉटन में 0.6 का हमारा मार्केट शेयर है, पूरे 32,000 में 0.6 कॉटन का रहता है, यानी 200-250-150 करोड़ का डेली का टर्नओवर होता है। और कमोडिटी रिस्क, प्राइस रिस्क जो है हेजिंग, उस पर मेन जिस पर आज हम लोगों का डिस्कशन है वो है, जैसे प्राइस का अनसर्टेनिटी हमेशा रहता है, कोई नहीं जानता कि प्राइस क्या रहेगा, ना तो मैन्युफैक्चरर जानता है, ना फार्मर जानता है, या कोई भी इंटायर वैल्यू चेन में किसी को नहीं पता है कि कल कितना प्राइस होगा या 3-4 महीने बाद क्या प्राइस होगा। और कोई आइडिया लगा सकता है कि इतना है तो हो सकता है इतना बढ़े, लेकिन एग्जैक्ट किस न्यूज पे, किस फंडामेंटल न्यूज पे कितना प्राइस रिएक्ट करेगा वो बता पाना नामुमकिन जैसा है कि फ्यूचर का रेट भी बता दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राइस देखिए यहाँ पे आया, इसे कभी बढ़ता है कभी घटता है, एक तरीके से प्राइस ना तो अप डायरेक्शन में जाएगा, ना डाउन में जाएगा, ना इसका फ्लैट रहेगा, हमेशा मार्केट का एक नियम है कि कहीं से फ्लक्चुएट होता है प्राइस, कभी कम कभी ज्यादा कभी बहुत ज्यादा। तो जैसे आज ये लिखा टुडे, अगर फिर 3-4 महीना बाद क्या होगा, यानी फ्यूचर का क्या प्राइस होगा, नीचे जाएगा या कितना नीचे रहेगा या कितना ऊपर रहेगा, ये कई सिनेरियो बनता है मार्केट में, ये प्रेडिक्ट कोई नहीं कर पाता। कभी मान लिया कोई ये सोच के बैठा कि कीमत बढ़ेगा, रखे है घर पे, कीमत गिर गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, बाई चांस अगर पड़ गया तो फायदा हो गया, लेकिन रिस्क बना रहता है। अगर उसके फेवर में है, माल किसी के पास है, पड़ गया तब तो ठीक है, अगर उल्टा हो गया तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और कई जिनिंग फैक्ट्री वाले या जो स्टॉक करते हैं वेयर हाउस वगैरह में स्टॉकिस, उनका लॉस वो इंश्योरेंस कराते हैं कि माल चोरी ना हो या कोई मिसहैपनिंग ना हो, आग ना लगे, लेकिन इस चीज का इंश्योरेंस नहीं होता कि कीमत घटने पड़ने से जो नुकसान होता है उसका इंश्योरेंस नहीं होता है। तो हेजिंग एक तरीके से टूल्स है प्राइस घटने पड़ने से जो रिस्क है, जोखिम है, उससे बचने के लिए इंश्योरेंस है। तो इसलिए रिस्क जो प्राइस घटने पड़ने से है, अनसर्टेनिटी बनी है, उसका हमेशा बचाव के लिए हेजिंग करना चाहिए सभी को, चाहे प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो। और ये बहुत सिंपल टेक्निक है, अगर किसी के पास माल पड़ा, यानी किसान के पास जिसे अभी नहीं है, खेत में आएगा, एक अंदाजा लगा ले कि इतना आएगा, तो उतना पोजीशन यहाँ पे सेल कर सकता है। एक दो किसान के पास नहीं रहेगा तो FPO ऐसा ग्रुप बना ले कि हम इतना इकट्ठा करके हम लोग सेल करेंगे, तो उतना पोजीशन सेल कर सकता है।
या कोई मिल वाले को लेना है तो वो उसको जितना पर मंथ रिक्वायरमेंट है वो अभी से अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का रेट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे और बाई कर ले, वो रेट फिक्स रहेगा, उस हिसाब से आगे कमिटमेंट कर ले कि हम इस रेट पे आपको धागा देंगे या एक्सपोर्ट करेंगे। जो भी हेजर कोई भी हो सकता है, कारपोरेट हो, फार्मर हो, प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, या इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो, और एक फॉरेन हेजर्स होते हैं जो बाहर के लोग भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबल फॉरेन एंटिटीज होता है ईएफई। यानी अगर कोई बांग्लादेश या वियतनाम या चाइना में इंडस्ट्री है, चीनी फैक्ट्री हो या मिल वाला हो, मिल वाला है अगर, तो बाई करेगा हमारे यहाँ, उसको जितना रिक्वायरमेंट है पर मंथ का उतना क्वांटिटी दिखाएगा सेबी के थ्रू। हमारे कुछ ऑथराइज सब ब्रोकर हैं, मोतीलाल ओसवाल है, IIFL है, फिलिप टेम्पल है, तो ये सब तीन चार लोगों को परमिशन मिला है कि उनके थ्रू ये लोग ट्रेड कर सकते हैं, तो वहाँ पे अकाउंट खोल के फिर ट्रेड करेंगे। और इनका जो हेजर्स का, इन्हें किसान हो या मिल वाले का जो रिस्क लेता है वो स्पेकुलेटर्स है, आर्बिट्राजर है। स्पेकुलेटर्स का मतलब वो होता है कि वो एंटिसिपेट करता है प्राइस बढ़ेगा तो बाई करता है, अगर उसके फेवर में मार्केट गया बढ़ा तो प्रॉफिट होगा, अगर उल्टा हो गया बाई चांस उसका अंदाजा गलत हो गया नीचे आ गया तो नुकसान होता है, तो वो एंटिसिपेट करता है कि बढ़ेगा तो खरीदेगा, अगर एंटिसिपेट किया नीचे जाएगा तो सेल करेगा, अगर उसके फेवर में है तो प्रॉफिट होता है, नहीं हुआ तो लॉस होता है, लेकिन छोटे छोटे मूव लेके वो निकलता रहता है। उनकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है कि हमेशा बाई सेल या एंट्री एग्जिट में हेजर्स को आसानी होती है। तीसरा कैटेगरी है आर्बिट्राजर। आर्बिट्राजर क्या देखता है, डिस्क्रिपेंसी ऑफ द टू मार्केट, यानी दो मार्केट के बीच का प्राइस का जो डिफरेंस है उसका बेनिफिट लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मंडी में कोई चीज बिक रहा है 30,000 रुपए और हमारे यहाँ फ्यूचर में है 32,000 रुपए या 31,000 रुपए, तो मंडी से खरीद के हमारे गोडाउन में फ्यूचर मार्केट में सेल करके लाके हमारे गोडाउन में जमा करेगा, मान लिया 400-500 रुपया खर्चा आया पर बेल, वो घटाने के बाद जो बचेगा उसका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। या कभी मार्केट में उल्टा हो जाता है, जैसे फ्यूचर सस्ता है स्पॉट महंगा है, तो फ्यूचर से खरीद के वो मिल में सप्लाई कर देगा या एक्सपोर्ट कर देगा या कहीं किसी व्यापारी को बेच देता है, तो उसका बेनिफिट वो लेगा, देखता रहता दोनों मार्केट में, जब भी डिफरेंस ज्यादा होगा तो उसका वो बेनिफिट लेता है आर्बिट्राज। अभी म्यूचुअल फंड को भी अलाउ कर दिया है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जिसे टाटा वाले ने भी हमारे यहाँ शुरू कर दिया है फ्यूचर मार्केट में, तो ये सब आएंगे, म्यूचुअल फंड आएगा, पोर्टफोलियो कुछ दिन में आने वाला है सबका PMS सर्विस, तो और लिक्विडिटी बढ़ेगी इसमें, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट आएंगे तो और आसानी होगी ट्रेडशिप में, टर्नओवर बढ़ेगा। जैसे मैंने बताया कि मान लिया अभी आज का रेट 40,000 मंडी में, लोगों को लगता है कि अक्टूबर में हो सकता है मार्केट नीचे चला जाए, अगर है किसी किसान के पास माल या जिनिंग फैक्ट्री के पास, तो जितना क्वांटिटी वो बेचना चाहता है 1,000 बेल है या 100 बेल है वो सेल कर देगा फ्यूचर मार्केट में, जब अक्टूबर आएगा मान लिया 1,000 रुपये नीचे चला गया, तो मंडी में चाहे तो वो अपना माल वहां से स्क्वायर ऑफ करके या तो मंडी में बेच दे माल, तो 1,000 उसका फ्यूचर में फायदा हो जाएगा, मंडी में 1,000 जो सस्ता हुआ वो नुकसान होगा, या तो ऐसा नहीं करना चाहता तो जो बेचा है एक्सचेंज में सेम अपना क्वांटिटी लाके हमारे गोडाउन में डिपोजिट कर दे तो उसका वही रेट रहेगा, भले 35 से यहाँ पे 34 दिख रहा है वो नुकसान नहीं होगा, 35 के ही भाव से उसको मिलेगा 35,000 के हिसाब से। या कोई एक्सपोर्टर है, मान लिया अभी से कमिटमेंट कर लिया कि हमें अक्टूबर और नवंबर में या दिसंबर में एक्सपोर्ट करना है, तो जो भी रेट है अभी हमारा अक्टूबर का है 35,000 मान लिया, नवंबर का है 34,000 या दिसंबर का 32-33,000, तो अभी से जो बाई कर लेगा उसी रेट पे उसको मिलेगा जाके अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, सेम रेट फिक्स हो गया, उसी रेट से उसको हमारे यहाँ से डिलीवरी लेके एक्सपोर्ट कर सकता है, या उसको एक्सपोर्ट हमारा जो डिपॉजिट हमारे यहाँ वो नहीं लेना चाहता तो अपना पोजीशन एक्सपायर ऑफ कर ले उस टाइम, जो भी अगर बढ़ा है मार्केट तो उसका प्रॉफिट हमारे यहाँ से फ्यूचर मार्केट से मिल जाएगा, मार्केट से महंगा खरीद के फिर से अपना एक्सपोर्ट कर सकता है, या मार्केट डाउन हो गया तो हमारे यहाँ उसका नुकसान होगा लेकिन फिजिकल मार्केट में उसको उतना सस्ता मिल जाएगा मार्केट, तो घटे या बढ़े प्राइस उसका नुकसान नहीं होना है, जितना नेट टू नेट जितने में फिक्स किया है कमिटमेंट किया है वही रेट रहेगा। और कीमत घटने बढ़ने का कोई इसलिए नहीं अंदाजा लगा पाता है, मान लिया कोई किसान है या कोई व्यापारी है तो अपने आसपास का विसिनिटी में देखता है, जैसे महाराष्ट्र में बारिश हुआ
कम हुआ, ज्यादा हुआ, या कितना स्विंग हुआ, या कितना पेस्ट अटैक है, कितना और भी कोई बीमारी है, या किसी भी तरीके का, गुजरात वाला गुजरात का जानेगा या कोई इंडिया का पूरे जान लेगा, तभी नहीं उससे अंदाजा लगा सकता कि कीमत पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ यह पूरा दुनिया एक गांव जैसा हो गया है। यानी पूरे दुनिया में जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जैसे चाइना है, यूएसए है, ब्राजील है, वहां पे कितना प्रोडक्शन होता है, वहां पे मान लिया हमारे यहाँ ज्यादा हो गया, वहां पे बहुत कम हो गया यूएसए में, तो भी प्राइस हमारा बढ़ जाएगा, भले अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाए, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो दुनिया में दूसरी जगह भेज देंगे, क्योंकि दुनिया में पैदावार कम है तो डिमांड इंडिया का बढ़ जाएगा। और कंजम्पशन कितना दुनिया में, इसका अगर कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है अपना डिमांड भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो अपना प्राइस बढ़ेगा। एंडिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर घटता जा रहा है तब भी अपना प्राइस बढ़ेगा। और पूरे ग्लोबल में, पूरे दुनिया में जिस कंट्री में हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ज्यादा, अगर वहां पे पॉलिसी कैसी है टैक्स की, अगर कभी कभी टैरिफ बढ़ा देती गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे यहाँ भी टैरिफ था 10% घटा दिया क्योंकि महंगा था इस साल, तो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए, या कभी अपने यहाँ बहुत दुनिया में मान लिया सस्ता ब्राजील या अमेरिका में, तो हो सकता है सब इंपोर्ट करना शुरू कर दें, तो अगर ऐसा लगेगा तो हमारे फार्मर्स का नुकसान होगा हमारे, तो उसके लिए गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है इम्पोर्ट टैक्स, ताकि बहुत ज्यादा इम्पोर्ट ना होने पाए। तो गवर्नमेंट ऐसा कंट्रोल करने के लिए अपने यहाँ की इकोनॉमी, अपने यहाँ के फार्मर्स या स्टेक होल्डर्स को जैसा जरूरत रहता है वैसा स्टेप लेती है, कभी एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दे देती है कि ज्यादा एक्सपोर्ट हो, अगर हमारा प्राइस दुनिया में नहीं कंपटीशन में आ पा रहा है तो सब्सिडी भी देती है कभी। तो ये सब वाच करते रहना चाहिए कि दुनिया में यानी चाइना में, अमेरिका में या इंडिया में कैसी पॉलिसी है, कैसा टैरिफ रेट है, क्या न्यूज आया है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और डेफिनेटली अपना स्विंग एवरेज देखना चाहिए, मानसून देखना चाहिए, या इंसेक्ट्स, पेस्ट अटैक, इस टाइप से कोई बीमारी तो नहीं आ रही, इसको रेगुलर हमें न्यूज वॉच करते रहना चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और कितना अपना इस साल अगर खत्म हो रहा है, जैसे अगस्त या सितंबर में अपना सीजन सितंबर में, तो फिर कैरी ओवर स्टॉक कितना बचा है, गवर्नमेंट की मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी है, कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सब फिगर देखना चाहिए। और फाइनेंशियल कंडीशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसी है, अगर बहुत अच्छा है तो प्राइस अच्छा मिलता है, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ही कंडीशन बहुत खराब है तो बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल पे भी नहीं पे करेगा, चाहेगा सस्ता मिले ताकि अपना प्रॉफिट आए और अपना कंडीशन इम्प्रूव। और भी कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने बताया था, कॉटन, कपास, मेंथाइल, रबर हमारे यहाँ ट्रेड होते हैं, सबके ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज होता है वो है। और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में बता रहा था, जैसे मैंने कहा कि हमारा कॉटन मान लिया 32,000 है, 35,000 है, तो कौन सा कॉटन है, यानी रुपीज पर बेल है, एक बेल में 170 केजी होता है, और ट्रेडिंग यूनिट, डिलीवरी यूनिट, या तो ट्रेडिंग करोगे तब भी 25 बेल का होगा, डिलीवरी भी मिनिमम 25 बेल का होगा, यानी एक दो बेल कोई बेचना चाहे तो नहीं बिकेगा, कम से कम 25 बेल की ट्रेडिंग भी होती है और डिलीवरी भी होगा। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च है अक्टूबर से अगस्त तक का रहता है 11 महीने का, सितंबर नहीं रहता क्योंकि वो लीन पीरियड रहता है, उसमें काफी पॉसिबिलिटी है उल्टा सीधा हो सकता है मार्केट, तो इसलिए उसको हम लोगों ने सितंबर नहीं रखा। फिर नया सीजन हमारा अक्टूबर से चालू हो जाता है, वो अवेलेबल है अभी से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ट्रेड हो रहा है, कंपलसरी डिलीवरी है, कोई बेचा है तो उसको डिलीवरी देना पड़ेगा, अगर नहीं देता है तो पेनल्टी है उस पर 4%, और अगर कोई बाई किया है तो उसको लेना ही पड़ेगा। और लेंथ जो हमारा 29 mm का कॉटन हम कहते हैं, तो प्लस माइनस 0.5 अगर 28.5 से 29.5 के बीच में है तो वही रेट मिलेगा जो स्क्रीन पे दिख रहा है, बाकी पैरामीटर अगर सेम है तो। अगर किसी का और अच्छा माल आ गया जैसे 30.5 का, 1% उसको और प्रीमियम मिलेगा, 31.5 आया तो 2% प्रीमियम मिलेगा, अगर 28.5 के नीचे है 28 तक का तो 2% का डिस्काउंट रहेगा, अगर बिलो 28 है तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ट्रेस है 3% का, लेकिन हम लोग ऊपर में 4.5 तक ले सकते हैं, उसमें डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट रहेगा हमारा उसमें 1:1 के रेशियो में, जैसे 3 से 4 हुआ तो 1% का डिस्काउंट, 4.5 हुआ तो 1.5% का डिस्काउंट। इसी तरीके से प्रीमियम भी अगर 3 से 2 हो गया तो 0.5 का, 1:0.5 के रेशियो में प्रीमियम। माइक्रोनेयर एक होता है, उसमें हमारा है 3.6 से 4.8 के बीच में, ये फार्मर सभी नहीं समझते होंगे, वो क्लब में ये सब रिपोर्ट आता है
तो बड़ा है काफी, इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। और मॉइस्चर यानी नमी कितना है हमारे कॉटन बेल कठान बनने के बाद, 8.5 हमारा बेसिस है लेकिन हम लोग एक्सेप्ट करते हैं 9.5% तक, उसमें 1:1 का डिस्काउंट हो जाएगा, यानी 8.5 से 9 हुआ तो 0.5% का डिस्काउंट, 9.5 हुआ तो 1% का डिस्काउंट, इसके ऊपर अगर मॉइस्चर है तो रिजेक्ट हो जाएगा, हमारे यहाँ नहीं जमा हुआ। और आरडी वैल्यू हमारा 76.5 लिखते हैं लेकिन 75.5 तक का रहेगा तो नो प्रीमियम नो डिस्काउंट, उसके नीचे 75.5 के 74 आ गया तो डिस्काउंट 1.5%, 73 आ गया तो एडिशनल 2% डिस्काउंट। आरडी वैल्यू का मतलब उसमें कितना व्हाइटनेस है, कितना साफ है, कितना क्लीन है, उसमें कोई पत्ती ना हो, मिट्टी ना हो, ये सब रहेगा तो आरडी वैल्यू जितना ज्यादा रहता है उतना अच्छा माना जाता है। अगर किसी का 78 आ गया तो 1% प्रीमियम है। तो ये सब क्वालिटी पैरामीटर है। मिनिमम 28 GTX होना चाहिए स्ट्रेंथ, यानी एक एक रेशे की उठाने की कैपेसिटी 28 ग्राम का कम से कम होना चाहिए तब हमारे यहाँ पास होगा। और जनरली फर्स्ट पिकिंग सेकंड पिकिंग का रहेगा तो वो सब पास होता है, अच्छा रहता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ कपास भी ट्रेड होता है। कपास का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन जो स्क्रीन पे रेट दिखेगा 1700 या 1800 तो वो 20 kg का रहता है, पर 20 kg का रेट। और इसमें ट्रेडिंग यूनिट और डिलीवरी यूनिट दोनों 4 मेट्रिक टन का है, 200 मन या 4 मेट्रिक टन के। इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट हम लोग लॉन्च करते हैं फरवरी अप्रैल नवंबर, लेकिन अप्रैल वाला ही ज्यादा एक्टिव है, अप्रैल में ही एक्टिव रहता है, उसी में लोग ट्रेड करते हैं। ये बोथ ऑप्शन है, बोथ ऑप्शन का मतलब बायर और सेलर जब चाहेंगे तभी डिलीवरी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कॉटन में कंपल्सरी है डिलीवरी देना पड़ेगा, और बाकी पैरामीटर सब कॉटन जैसा इसमें भी। मार्केट साइज इसकी 81,000 करोड़ का है, 2021 का हमने लिया है पैरामीटर। इस साल का लेंगे तो 1,00,000 करोड़ से ऊपर जाएगा, क्योंकि इस साल प्राइस काफी बढ़ा है, लेकिन ये पिछले साल का है, प्राइस कम था। तो 81,000 यानी 1,00,000 करोड़ के आसपास अब हो गया है हमारा मार्केट साइज कॉटन बेल का, कॉटन गठान जो बनता है 350 बेल, और एवरेज प्राइस उसका हमने लिया है तो 81,000 आया है। ये 2020-21 का डाटा है, और 12% वॉलेटिलिटी थी उसमें, यानी प्राइस घटने घटा बढ़ा जो 12%, यानी प्राइस घटने बढ़ने से तकरीबन 10,000 करोड़ का इंडस्ट्री का लॉस हो सकता है। कॉटन गठान की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ अगर पूरा धागा का लेंगे ये सब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 81 का 12% 10,000 करोड़ से ज्यादा आएगा। अभी तक का डिलीवरी जो हमने 2011 से कार्टन लॉन्च किया है, 20,00,000 बेल के आसपास एक्सचेंज के थ्रू, मोर देन 20,00,000 बेल का डिलीवरी हो चुका है एक्सचेंज के थ्रू। और कोरिलेशन एक्सचेंज जिसे हमारा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, वैसे एक इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है USA में, उससे और हमारा प्राइस का कोरिलेशन मोर देन 90%, यानी अगर वहां पे 100 रुपया घटा या बढ़ा तो हमारा भी 90 रुपए के आसपास घटेगा या बढ़ेगा, 90, 95, 100, 105। ऐसा नहीं कि वहां पे बढ़े तो यहाँ पे घटे या उल्टा हो, ऐसा नहीं रहेगा, डायरेक्शन वही रहेगा, 100% नहीं, 90, 95 ऐसा रहेगा। और जो हमने कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन बनाया है तो टोटल इंडिया के प्रोडक्शन का 75% उसमें आ जाए, इस टाइप से बनाया है कि लोग इतना पार्टिसिपेट कर सकें। और हमारा सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ट्रेडिंग होता है, और इसमें CTT नहीं है, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स प्रोसेस्ड कमोडिटी पे लगता है लेकिन इसमें नहीं है। और दुनिया में सबसे ज्यादा पैदावार इंडिया और चाइना में होता है, तकरीबन इंडिया और चाइना का प्रोडक्शन बराबर है, दोनों का मिला दें तो तकरीबन 50% या 48% दो कंट्री का हो जाता है प्रोडक्शन, तीसरे पे USA है, मेजर कंज्यूमर चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। चाइना हमारे ही बराबर पैदा करता है तकरीबन, लेकिन प्रोडक्शन हमसे ज्यादा है, इसलिए हमारे पास सरप्लस होता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं और चाइना इंपोर्ट करता है। और इंडिया में हमारा मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, एरिया हमारा ज्यादा महाराष्ट्र का है लेकिन प्रोडक्शन गुजरात का है, क्योंकि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में रेनफेड एरिया ज्यादा है, यील्ड कम है, इसलिए प्रोडक्शन कम है। देखिए MCX और आइस का कोरिलेशन मोर देन 90% है, स्पॉट और फ्यूचर का 99% कोरिलेशन है, क्योंकि जब मार्केट क्लोज होता है DDR तो 3 दिन का स्पॉट मार्केट लेके हम लोग फाइनल सेटलमेंट प्राइस निकालते हैं, इसलिए स्पॉट के बराबर आ जाता है। और ये अभी तक का 2011-12 से जितना डिलीवरी हुआ वो ईयर वाइज है, और हमारा फिर मंथ वाइज अभी लेटेस्ट जो है
अक्टूबर 2021 से जून 2022 तक का, किसी महीने में 15,000, 20,000, 25,000, जून में कम है क्योंकि अभी लीन पीरियड है इसलिए डिलीवरी भी कम हुआ है 3,550, और अभी भी स्टॉक 4,275 बेल का है क्योंकि अभी ये खाली हो रहा है, अगस्त में हमारा पूरा खाली हो जाएगा माल, तो ये जुलाई खत्म हो रहा है, एक महीना बचेगा, और अभी भी लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। इसमें मैंने जो स्टॉक इन प्रोसेस में है 3,500 बेल के आसपास, तो हमने नहीं लिखा इसमें। ये देखिए आज का स्क्रीनशॉट मैंने लिया कि अगस्त का रेट है, ये देखिए एलटीपी जो लिखा है बीच में ग्रीन कलर का, ये अगस्त का रेट है 43,500, और जुलाई का रेट है 43,700, दूसरे नंबर में अक्टूबर लिखा 35,230, नवंबर का रेट है 33,060, दिसंबर का रेट है 32,190। ये सब आज ट्रेड हो रहे हैं, ये आज का है स्क्रीनशॉट मैंने लिया 11 बजे सुबह, वेबसाइट पे ऐसा दिखता रहेगा। index.india.com करेंगे, मार्केट वॉच करेंगे, कॉटन सेलेक्ट करेंगे, तो जिस जिस महीने में ट्रेड हो रहा है उसका रेट दिखता है, घटा बढ़ा। देखिए आज ही बढ़ा है, अगस्त में 180 रुपये, अक्टूबर में 510 रुपये पर बेल, जुलाई में 200। तो ऐसा आपको भी दिखेगा, जब चाहें इसको खरीद लें, जब चाहें बेच लें, ये रेट दिखेगा और वही रेट फिक्स हो जाएगा। यानी कोई आज किसान बेचना चाहे अक्टूबर का तो 35,230 रुपये का आज बेच सकता है, एक बेल का रेट है 170 केजी का रेट, और नवंबर का भी चाहे तो 33,060, दिसंबर का चाहे तो 32,190 पे आज भी बेच सकता है। और किसान का देखिए, किसान चाहता कि हमें जितना ज्यादा, बेचने वाला चाहता हमें जितना ज्यादा पैसा मिले उतना अच्छा है, खरीदने वाला चाहता कि जितना सस्ता मिले उतना अच्छा है, लेकिन खरीदने वाला जिनर स्मार्ट होता है, होशियार होता है, वो जानता है कि हमें कपास अगर हम इस रेट में खरीदेंगे तो कितना कमाएंगे, क्योंकि वो जानता है कितना सीड निकलेगा, कितना लिंट निकलेगा, रुई, क्योंकि जिनर का यही काम है कि उसको सेपरेट कर देना है, कपास से सीड अलग करना, जिनिंग का मतलब ही होता है सेपरेशन ऑफ सीड और लिंट, अगर वही अलग कर दिया वही हो गया जिनिंग, वो सीड कितने का बिकेगा, रुई कितने का बिकेगा जानता है, जोड़ लेगा और कितना खर्चा आएगा, कितना उसका प्रॉफिट होगा, तो कभी उस अपना ऐसा नहीं खरीदेगा कि नुकसान हो जाए। लेकिन किसान नहीं जानता कि इसका क्या मुनासिब रेट होना चाहिए, तो किसान को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि एक कुंटल कपास में कितना सीड निकलता है, कितना रुई निकलता है। तो हमने कई जगह इवेंट किया है, इसके लिए मिला है, तो बहुत कम किसानों को पता रहता है। इसमें 2/3 तकरीबन निकलता है हमारा सीड, 1/3 लिंट, यानी हमने माना मोटा मोटी 64% सीड निकलेगा, 34% आउटटर्न आएगा जो लिंट निकलेगा। वेस्टेज 1 से 1.5% या 2% हो सकता है मैक्सिमम, मैंने 2 ले लिया। मान लिया कपास 80 रुपये किलो बिकता है आपका, अब देखिए इसको जानना पड़ेगा कि हमें अगर कोई भी चीज का वैल्यू एडिशन करना है किसान को, किसान 4 महीने किसान रहता है जब तक, यानी मई जून जुलाई अगस्त, या जुलाई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीना अगर किसान रहता है, उसके यहाँ आएगा अक्टूबर में, 4 महीना खेत में फसल पड़ा रहता है भगवान भरोसे कि अगर बारिश हो गई अच्छा तो आ जाएगा फसल, अगर कभी सूखा पड़ गया या और बहुत ज्यादा बारिश भी हो गई तब भी नुकसान होता है, किसी तरीके से अगर उसके यहाँ घर पे फसल आ गई अच्छी तो उसको कैसे और प्रॉफिट करके कैसे महंगा बेचें या कैसे और ज्यादा उसमें बार्गेनिंग पावर अपना बढ़ाएं कि और ज्यादा पैसा मिले, उसके लिए वैल्यू एडिशन करना चाहिए किसानों को। कपास से गठान बना के जिनर के यहाँ जाके गठान बनवा के फिर बेचें तो डेफिनेटली पैसा मिलेगा, क्योंकि जो बीच में बिचौलिया है जिनर कमाता है वो किसान को मिल जाएगा, और हम लोग भी कुछ एफपीओ को बेनिफिट देते हैं, अभी स्लाइड के बाद बताएंगे। मान लिया 8,000 रुपये क्विंटल कपास अक्टूबर में रहे तो 1 किलो का 80 रुपये। देखिए ये रेशियो जो मैंने बताया 34% रुई के हिसाब से, 5 क्विंटल कपास की है एक गठान बनाने के लिए, एक गठान जो 170 केजी का बनता है बेल, उसके लिए 5 क्विंटल कपास चाहिए। लेकिन आपको अगर 100 बेल बनाना है तो 500 क्विंटल कपास चाहिए, तो 500 क्विंटल किसी किसान के पास नहीं रहता, इतना बड़ा किसान नहीं है, तो उसके लिए एफपीओ बनाया सरकार ने कि इकट्ठा हो के फिर बनाए। मान लिया 50 किसान हो गए एफपीओ में तो 10-10 क्विंटल देंगे तो 500 क्विंटल हो गया, और कम देना चाहते हैं 5-5 क्विंटल कपास देना चाहते हैं तो 100 किसान इकट्ठा होकर 500 क्विंटल कपास कर लें। तो अगर वैसे ही कपास अगर कोई बेचता है 500 क्विंटल तो 40 लाख रुपए का बिकेगा,
अगर वही आप जिनिंग कराते हैं जिनिंग फैक्ट्री पे जाके, तो भी 900 950 या 900 से कम भी लेगा, लेकिन मैंने 1000 लिया है मोटा मोटी पर बेल। जिनर आपका गठान बना देगा, प्रोसेस कर देगा, उसमें प्लास्टिक की पट्टी 12 बांध देगा और कपड़ा लगा के सब कुछ तैयार करके दे देगा। प्लान है तो 40,000 का आपका कपास था, 1,000 के हिसाब से 100 बेल का 1,00,000 रुपए हो गए, यानी 41 रुपए उसकी वैल्यू हो गई अब जिनिंग कराने के बाद। अब उसमें से 32 टन निकलेगा, इसमें 32 टन निकलेगा आपका सीड, और 170 के हिसाब से 100 बेल का 17 टन आपका ये निकलेगा रुई 17। तो ये देखिए 35,000 रुपये पर बेल, अभी 35,260 हमने दिखाया था, इसमें अक्टूबर का रेट है, देखिए 35,230 हमने राउंड फिगर में इधर 35,000 ले लिया, मान लिया अक्टूबर का रेट, तो 100 बेल का हो जाएगा 35,00,000 रुपये, एक बेल का 35,000 तो 100 बेल का 35,00,000। और सीड का रेट अभी तो और महंगा है, उस वक्त अगर 30 रुपये रहता है, जब उस टाइम भी कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी रेट रहेगा, अभी हमने अज्यूम किया 30 रुपये पर कीजिए, तो जो सीड निकलेगा आपका 32,000 केजी निकलेगा 500 क्विंटल में 64% के हिसाब से, वो 9,60,000 का हो जाएगा। तो 35,00,000 का आपका रुई बिक जाएगा, 9,60,000 का सीड बिक जाएगा। देखिए सीड ज्यादा रहता है लेकिन वैल्यू कम है क्योंकि सस्ता बिकता है, तो दोनों मिलाएंगे 35,000 प्लस 9,60,000 तो 44,60,000 ये वैल्यू आएगा। अगर इस 44,60,000 को 41,00,000 जो आपका कीमत पैसे बेचते हैं कपास, तो 40,00,000 का बिकता है, 1,00,000 और लगाए तो 41,00,000 हो गया, वो घटाएंगे तो आपका 3,60,000 रुपया समझ लीजिए नेट प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को जितने लोग उसमें हैं, कोई 10 क्विंटल दिया है कपास की, 5 क्विंटल कपास दिया है, या बराबर दिए हैं अगर 50 किसान है तो उस हिसाब से आपस में बांट सकता है। अगर 50,000 रुपये भी बचता है प्रॉफिट तो 100, अगर बैकवर्ड कैलकुलेशन करें तो 100 रुपया कुंटल आपका कपास समझ लिए बढ़ गया, जो 8,000 रुपये कुंटल था 8,100 हो गया, 1,00,000 बढ़ा तो समझ लिए 8,200 रुपये हो गया, अगर 2,50,000 रुपया बढ़ गया तो 8,000 का जो बेचते थे कपास तो 8,500 रुपये कुंटल कपास का हो गया, तो काफ़ी फायदा होगा इस तरीके से। और लोग कॉटन गठान बना के जमा भी करते हैं हमारे यहाँ, फायदा उठाते हैं, इसमें पार्टिसिपेशन एफपीओ का बहुत कम है या फार्मर्स का कम है हमारे यहाँ, उनको इनकरेज करने के लिए हम लोगों ने ये ऑफर भी दिया, अभी असेइंग चार्ज यानी टेस्ट कराना पड़ेगा आपको कार्टन गठान बना के। देखिए सबसे पहले कपास इकट्ठा करेगा किसान, फिर ले जाएगा जिनिंग फैक्ट्री पे, वहाँ पे प्रोसेस कराएगा, प्रोसेस कराने में भी अगर कहीं गीला है, कुछ और है, मॉइस्चर ज़्यादा है, सुखाने में जो लेबर का खर्चा आएगा वो भी हम लोग रिएम्बर्स कर देंगे थोड़ा बहुत रिएम्बर्स। और जो पैकेजिंग रहेगा कार्टन गठान पे जो पट्टी और कपड़ा लगता है वो भी रिएम्बर्स कर देंगे उसका पैसा, अगर जिनर लिख के देगा कि इतने का कपड़ा लगा है, इतने का पट्टी लगा है। फिर उसके बाद वहाँ से पैक करके हमारे गोडाउन पे लाएगा ट्रक पे, मान लिया 20,000 भाड़ा लगा, 25,000 लगा, 10,000 लगा, ये जो भी लगेगा 30,000 लगा, उसका 50% हमारी कंपनी रिएम्बर्स कर देगी, यानी हमारा एक्सचेंज रिएम्बर्स कर देगा। 20,000 लगा तो 10,000 रिएम्बर्स हो जाएगा, वो किला कर देगा बना के लेकर पे अटैच करके, तो वो आधा हो जाएगा। फिर टेस्टिंग होगा गोडाउन में, 800 टेस्टिंग चार्ज हमारा है, गोडाउन में आएगा माल 875 रुपीज पर 25 बेल प्लस जीएसटी, 100 बेल करवाएगा तो 3,500 प्लस जीएसटी यानी 4,200 के आसपास। तो ये पूरा जितना खर्चा आएगा टेस्टिंग का वो पूरा रिएम्बर्स हो जाएगा, वो बिल बना के देगा कि इतना टेस्टिंग का चार्ज लगा है, तो वो भी हम लोग रिएम्बर्स कर देंगे। और अनलोडिंग स्टेकिंग वेयरहाउस पे 25 रुपये पर बेल के आसपास है, वो आपको देना पड़ेगा 2,500 रुपये, वो जाएगा आपका। वेयरहाउस का जो रेंट आएगा 2.30 रुपये पर बेल पर डे है, 100 बेल का 2,300 रुपये हो जाएगा पर डे, वो पूरा जितना रेंट आएगा वो हमारी कंपनी पूरा रिएम्बर्स कर देगी। CCRL चार्ज है, जिसे आपका माल आएगा गोडाउन में टेस्ट होने के लिए, लैब में जाएगा टेस्ट होने के लिए, बैकफील्ड और रटीरा दो लैब है, अगर रिपोर्ट आ जाती है सही है तो हमारे यहाँ डिपॉजिट होगा रहेगा, तो रेंट आएगा वो वेव ऑफ हो जाएगा। 25 बेल में से 2 बेल हम लोग सैंपल कट करते हैं, वही लैब में जाता है, फिर मॉइस्चर वगैरह सब ठीक रहा तो गोडाउन में माल रहेगा। CCRL एक है हमारा, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू पूरा
डिपॉजिट रहेगा, फिजिकल रिसिप्ट नहीं मिलती है, तो उसका भी चार्ज है, उसका भी चार्ज पूरा रिएम्बर्स हो जाएगा। और इवन जहाँ पे आपका अकाउंट खुलेगा, जहाँ पे अकाउंट खुलेंगे ट्रेड करने के लिए फ्यूचर में सेल, ब्रोकरेज लेगा कुछ, वो भी रिएम्बर्स हो जाएगा। यानी मिला जुला के जितना खर्चा है तकरीबन सभी हमारा आपका एफपीओ के लिए सिर्फ हम लोग वेव ऑफ कर देते हैं, ताकि वो लोग जुड़े हमारे यहाँ। तो जो ये सब जिसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अगर वो भी कमा रहा है तो आपको ये सब बेनिफिट मिल रहा है, तो एक तरीके से ये भी एक प्रॉफिट है, जो कमाएंगे वो कमाएंगे और ये भी आपका खर्चा बच जाएगा, यानी एफपीओ का बच जाएगा। और हमारा डिलीवरी सेंटर मेन राजकोट में है, एडिशनल मुंद्रा कड़ी है, और महाराष्ट्र में जालना यवतमल है, और तेलंगाना में आदिलाबाद है। जिसे हम जालना कहें या यवतमल कहें, तो उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी वेयर हाउस वो ले सकता है हमारा WSP। हमारे WSP ये सब यमडा है, ओरिको है, श्री शुभम है, NCMSL है, स्टार एग्री है, और ये सब हमारे एक स्टीन वेग शराफ है, इसने नहीं लिखा, ये सब चार पांच हमारे WSP है जो आपके लिए वेयर हाउस बुक लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ MCX। और ये CCRL जो बता रहा था, कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड है CDSL कंपनी का, उसी के थ्रू सारा डिपॉजिट होगा, रखा रहेगा माल, बेचना रहेगा तब भी उसी के थ्रू होगा, एक नंबर मिलेगा आपको, कोई कोड बताएंगे तो समझ जाएगा कुछ क्या है। और कभी भी एक्सचेंज पे अकाउंट खोलने के लिए आपको 680 के आसपास हमारे मेंबर हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल है सबका नाम, जैसे आप कोटक हो गया या मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल हो गया, पृथ्वी हो गया, पिनाकिन हो गया, ये सब हमारे मेंबर। और भी ऐसे 680 मेंबर हैं, वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड मेंबर जो रहे वहाँ पे अकाउंट खुलवाइए, और एक KYC रहता है कि फॉर्म भरना रहता है उसको फिल करिए, उससे समझिए कि मार्जिन मनी कितना होता है, कोई ट्रेड करेंगे तो 10% के आसपास मार्जिन रहता है तो क्या होता है, M2M क्या होता है, वो पूरा समझाएगा। एक्सचेंज का रूल रेगुलेशन हमारा वेबसाइट पे मैक्सिमम अवेलेबल रहता है, वो भी पढ़िए आप। सारे प्रोडक्ट का नोट, कार्टन में जाएंगे प्रोडक्ट नोट में तो प्रोडक्ट नोट दिखेगा, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन दिखेगा, और थोड़ा सा उसका कितना प्रोडक्शन है, क्या है सर हिस्ट्री, उसमें मिल जाएगी, पढ़ना चाहिए प्रोडक्ट नोट, क्या ब्रोकरेज क्या हो, कितना लोगे, ट्रांजेक्शन चार्ज क्या है, ये सब उससे बात करिए, बताएगा सारा, स्टैम्प ड्यूटी कितना है, टैक्सेशन कितना है, कोई अगर डिफॉल्ट हुआ नहीं दे पाए तो पेनल्टी कितना है, सब लिखा भी रहता है और ब्रोकर भी आपको एक्सप्लेन करेगा पूरा। तो आपको रजिस्टर्ड मेंबर के यहाँ अकाउंट खोलना है, वेबसाइट हमारा देखना है, समझना है, उसमें पूरा मेंबर का डिटेल देखिए एक्सचेंज पे, KYC कंप्लीट कीजिए, अपना मोबाइल अपडेट कीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, जब भी कोई आप ट्रेड करेंगे इमिडिएटली आपको मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपने यह खरीदा है, इस रेट पे खरीदा है, फिर बेचेंगे तो भी आएगा, ईमेल पे भी आएगा। तो अगर नहीं आता तो उससे पूछिए क्यों नहीं आ रहा है हमारा, अगर सौदा हुआ तो फिर से अपडेट करेंगे मोबाइल वगैरह चुप हुई होगी तो, और उससे इंसिस्ट कीजिए कि हमारा ईमेल पे या मोबाइल पे कोई भी सौदा हो तो आना ही चाहिए, आपका एक यूनिक क्लाइंट कोड रहेगा, वो बताएंगे तो पूरा आपका उसमें पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और कभी उसके ब्रोकर के ऐसे लालच में ना आए कि आप कॉटन में कहाँ पड़े हो, क्रूड में कर लो, गोल्ड में कर लो, या इक्विटी में कर लो, ज़्यादा कमाओगे, तो उस सब लालच में नहीं आना है, उससे बचना है। और कभी भी कैश पैसा नहीं देना है, हमेशा चेक से देना है या ऑनलाइन होगा। और कभी भी कैंसिल मतलब ब्लैंक चेक नहीं देना, उस पर कैंसिल करके देना कर मांगे तो, कोई बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज मांग रहा है दलाली तो भी नहीं देना है, दूसरे के यहाँ खोल सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कंप्लीट कर रहा हूँ, थैंक यू, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई क्वेरी है, डाउट है तो प्लीज पूछिए। थैंक यू बद्रुद्दीन जी। हाँ शीतल प्लीज कंटिन्यू। ओके थैंक यू बद्रुद्दीन जी, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, और जो भी आपने स्लाइड्स दिखाया और जो भी आपने अभी पॉइंट्स बताए, इसका फ्यूचर में एफपीओ को जरूर फायदा होगा। एफपीओ में से किसी के कुछ सवाल है बद्रुद्दीन जी के लिए? सागर सर अगर आपके कुछ सवाल है तो आप हमें भेज सकते हो। ठीक है ठीक है मैडम, सवाल नहीं है कुछ। ओके सर। हेलो हेलो मैडम, एक सवाल है। हाँ सर पूछिए ना। अगर हमने वो अपने MCX पे जो अकाउंट निकाला,
बाद में वो आप जो कपास का रहता है ना उसका लेन जो अभी बनाया वो बोले थे कि 29.5 और 28.5 के बराबर अगर उसका लेंथ है तो उसे एक्सेप्ट करते हैं और 28 के बिलो हो गया तो रिजेक्ट करते हो बेल। हाँ जी। और अगर बिलो कर दिया तो बाद में वो जो गठान जो बेल रखे वाली है उसका बाद में हम वापस कैसे लाएंगे, वहां कहाँ बेचेंगे, इसके बारे में अगर आपने वो बताया तो। जी, आपका बहुत जेन्युइन सवाल है, बहुत अच्छा है। देखिए देखिए, जब फर्स्ट पिकिंग और सेकंड पिकिंग वाला रहता है जनरली इसका लेंथ अच्छा रहता है, और जिनर से कहेंगे कि हमें एमसीएक्स क्वालिटी का बनाना है तो उसको भी पूरा आइडिया रहता है कि वैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो जनरली वो उस बात का ध्यान रखेगा, आ जाएगा। बाई चांस कभी कभी चूक हो गया, नहीं आया, गड़बड़ हो गया, हो सकता है क्योंकि ये नेचुरल कमोडिटी है, कोई मशीन में तो बनता नहीं फैक्ट्री में, तो इसलिए गड़बड़ी हो सकती है। तो अगर इन केस रिजेक्ट हुआ तो हम ट्राई करेंगे कुछ, हम पहले ही हमने कुछ मिल वालों से बात कर रखा है कि किसी एफपीओ का मान लिया इंकरेज करने के लिए हम कह रहे हैं कि आप शुरू करें ये सब, इन केस रिजेक्ट हो गया तो बेचारा कहाँ बेचेगा, नुकसान होगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उसके लिए हमने कुछ मिल में बात कर रखा है, जैसे अरविंद मिल में, नाम लेके बता देता हूँ, अरविंद मिल में मैंने बात किया है, और एक जिनर है बड़े हमारे मंजीत काटन के नाम से फेमस है राजपाल जी, उनसे भी हमने बात किया है, तो कह रहे हैं कभी भी अगर ऐसा गड़बड़ हुआ तो हमें फोन करना या हमारा नंबर उनसे शेयर कर लेना, किसान से या एफपीओ से जिससे भी है, तो मैं नुकसान नहीं होने दूंगा, जो भी मुनासिब रेट रहेगा स्पॉट में है उस रेट पे मैं खरीदूंगा, भले हमारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, लेकिन फार्मर्स का है तो उतना ध्यान रख के हम ले लेंगे कि नुकसान ना होने पाए। तो वो पर्सनल लेवल पे हमने आउट ऑफ वे ऐसा हमने बात किया है कि वो दिक्कत ना आने पाए, तो ट्राई करेंगे कि आपका माल जो भी मंडी में उस क्वालिटी का माल का रेट रहेगा, थोड़ा बहुत एमसीएक्स से तो नीचे आएगा अगर क्वालिटी खराब है, लेकिन बिक जाएगा, नुकसान नहीं होगा। मॉइस्चर के बारे में भी आप भी बताया था उसने, मॉइस्चर भी पता रहता है कि जिनर को सुखा के बनाएगा या उतना अंदाजा रहेगा कि अगर हम 9.5 तक ले रहे हैं मैक्सिमम तो 8.5 का ही बनाए, हमारा बेसिस 8.5 का ही है, थोड़ा बहुत फर्क हुआ तो 9 हो जाए, 9.5 के अंदर ही रहेगा तो नहीं रिजेक्ट होगा, कोशिश करें अगर ऐसा कुछ आया तो उसके लिए है प्रावधान, हमने बात किया लोगों से कि वो जो भी रहेगा मार्केट रेट उस पे खरीद लेंगे। वो आप माल लगाते समय जो प्राइवेट लैब रहती है जी, अगर उसका आप वही प्रमाण रखते हैं क्या, तुम्हारा वो मॉइस्चर हमारा? नहीं नहीं, हमारा दो लैब है, एक फील्ड है मुंबई में और एक अहमदाबाद में अटीरा, उसी दो लैब का ही टेस्ट होना चाहिए, बाकी वही जाएगा टेस्ट होने के लिए, पहले आपको गोडाउन में लाना पड़ेगा, फिर कट करके इसी दो लैब में WSP भेजेगा, बाकी और तीसरे लैब का नहीं, दूसरे लैब का टेस्टिंग वो नहीं नहीं मांगते। इसमें एक उपाय ये है कि हम पहले इन्हीं लैब में से किसी में सैंपल ड्रॉ करके टेस्ट कर लेंगे और टेस्ट इनके प्रमाण हो जाएगा कि स्टैंडर्ड को मैच हुआ तो ही माल हम भेजेंगे, ताकि माल का जोखिम ना रहे, है ना बदल। हाँ वो भी ठीक है, क्योंकि एक आइडिया हो जाए कि जी पास होगा कि नहीं। हाँ, और मॉइस्चर मीटर तो हमारे पास रहता है, तो मॉइस्चर मीटर तो हम मिल जाएगा वहीं पे, आपके उधर ही चेक कर लेंगे मॉइस्चर मीटर। ये डिलीवरी आप खुद लेके जाते हैं कि हमको आप डिलीवर करना पड़ता है उधर? नहीं, खुद लाना पड़ेगा वेयर हाउस में, अब जिनिंग फैक्ट्री से गोडाउन तक लाएंगे, फिर वहीं पे सैंपल कट होगा, वहां से जाएगा, अगर वहां का जो भाड़ा लगा है आपका जिनिंग फैक्ट्री से गोडाउन में लाने तक का, उसका 50% हम लोग वेब ऑफ कर, यानी रिइंबर्स कर, जैसे 20,000 लगा तो 10,000 आपको दे देंगे हम। अच्छा, और रेंट जो लगेगा वेयर हाउस का वो पूरा दे देंगे, टेस्टिंग चार्ज जो खर्चा आएगा पूरा दे देंगे, ब्रोकरेज जो भी माल बनाएंगे आपके उधर पूरा उसको चेक करेंगे, है ना, यहीं पे हमारा रोल रहेगा, बिकॉज कॉटन गुरु के पास बहुत सारे सर्टिफाइड ग्रेडर हैं और हम भारत के एकमात्र कॉटन वैल्यूअर हैं, तो हमारी कोशिश ये है एमसीएस के साथ आपको जोड़ने के लिए कि कॉटन गुरु महा एफपीओ आपके साथ में रहेगा, क्वालिटी का आप
वेरिफिकेशन जगह पे आपको करके देगा, जो क्वालिटी नहीं चलने लायक होगी उसमें से हम बेल ही नहीं बनाएंगे, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत किसानों को और एफपीओ को नहीं होनी चाहिए। और जो लायक कपास है उसकी अच्छी क्वालिटी के बेल बनाएंगे, तो ये जो प्रीमियम कैटेगरी में हम को ला रहे, जो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि 24 कैरेट सोना है तो 24 कैरेट के भाव मिलेंगे, तो हम उस प्रीमियम कैटेगरी में जाने की पूरी कोशिश करें। सही बात है सर। अकाउंट के बारे में एक थोड़ा बताओ, थोड़ा अकाउंट कैसा ओपन करने का है? हाँ, तो अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुलेगा, कहीं भी खोल सकते हैं, जहाँ पे आपका कंफर्ट वगैरह, कहीं जान पहचान है तो वहाँ, लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए इनसेक्स में, वेबसाइट पे देख सकते हैं। और बाकी मनीष दागा साहब भी हेल्प करेंगे, ये भी जानते हैं। अकाउंट बिल्कुल खुलवा देंगे बदरुद्दीन जी, आप खाली आपके जो एकदम ट्रस्टवर्दी पांच ये एजेंसीज हैं, आप उनका लिस्ट शेयर कर दीजिए, हम इनके साथ में शेयर करके और इनको कनेक्ट भी करवा देंगे और आगे बात भी करवा देंगे। आपका शायद है भी कुछ लोगों के साथ ना, फ्रेंचाइजी है ना, वहाँ पे करवा सकते हैं, वो ट्रस्टवर्दी ही है, अच्छे हैं, चलेगा ना। ठीक है, ठीक है, और सभी ट्रस्टवर्दी हैं, जो भी हमारे एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं सब ट्रस्टवर्दी हैं, क्योंकि पूरा कंट्रोल रहता है, हम लोग डे टू डे की एक्टिविटी उनका वॉच करते हैं, कोई जो रजिस्टर्ड है गड़बड़ी नहीं कर सकता। जहाँ पे ब्रोकरेज कम हो, जहाँ पे उनको कम्फर्ट हो, वहाँ पे। और एफपीओ के लिए जो लाभ है उसका लिस्ट ही इन्होंने जो पूरा अलग दिखाया है, उसका पूरा फायदा एफपीओ को लेने जैसा है। कोई भी नॉर्मल व्यापारी यहाँ पे आएगा तो उसको बहुत सारे खर्चे हैं, पर एफपीओ के लिए उन्होंने मैक्सिमम खर्चे निकाल दिए। जी जी, है ना सर। अभी मैंने स्मार्ट कॉटन जो अभी महाराष्ट्र में जो चालू है, जी पाला जी, हाँ, उसके बारे में अभी मैंने वो प्रस्ताव वगैरह सबमिट किया है उसका। अरे वाह, बहुत अच्छा। उसमें भी हमारे बहुत सारे एफपीओस ने किया है, स्मार्ट वालों की पूरी टीम के साथ हम रेगुलर टच में हैं, और स्मार्ट के टर्म्स कंडीशन भी हमें अच्छी तरह पता है, उनके कितने एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहे हैं ये भी पता अच्छा, है। स्मार्ट वाले में है क्या आप सर? हाँ। स्मार्ट तो बहुत अच्छा है, वो एक ही वैरायटी का कॉटन उगाएंगे, मेरी बात हुई है महाजन साहब से, और अभी मैं 21 तारीख को पुणे भी गया था, सब बारे में बात किया है, तो एक ही क्वालिटी का रहेगा, एक ही वैरायटी रहेगी, तो गड़बड़ होने का चांस नहीं रहेगा, एक ही अच्छा आएगा, मतलब पास हो जाएगा। राइट, करने जैसे कुछ नया करेंगे तो ही प्रॉफिट मिलेगा, ये बात तो। थैंक यू सर, थैंक यू बदरुद्दीन जी, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कुछ क्वेरी हो तो पूछिए, अगर आपके कुछ सवाल हो तो हमें भेज दीजिए। ओके मैडम, थैंक यू। अभी मैं अपने कृषि तज्ञ शर्मा जी इनको इनवाइट करती हूँ, और स्क्रीन पे जो कुछ फोटो दिखा रही हूँ आपको शो हो रहे हैं? हेलो जी, जी हाँ, हो रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अभी कुछ फोटो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे? जी जी दिख रहे हैं। अभी की करंट सिचुएशन जो है ना फार्म में, उसके फोटो है ये जी। तो क्या हम इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? जी जरूर जरूर। चालू करूं मैं अपना? हाय सर। किसान भाइयों नमस्कार। मैं मराठी में तो बोल नहीं सकूंगा, ना मराठी जानता हूं, मेरी मजबूरी है, तो क्षमा करेंगे। अगर किसी को हिंदी में नहीं समझ में आया तो मैं मराठी में ट्रांसलेट करती हूं। ये तो समझते मैडम, ओके, काई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, थैंक यू। मुझे कुछ फोटोग्राफ्स भेजे थे, उस फोटोग्राफ्स में ज्यादा पानी की वजह से जो है किसान परेशान है, फसल खराब हो रही है, किसी की बड़बार नहीं हो रही है। एक किसान ने जिसने वीडियो भेजा है उसमें बड़ी मजबूरी से बड़ा निरुत्साहित हो करके कि अभी इस पे छिड़काव भी करेंगे तो ये नहीं बढ़ेगी, डेढ़ महीने की फसल है,
अरे किसान तो कभी जो है हतोत्साहित हुआ ही नहीं, हमेशा प्रकृति से लड़ता है। सैनिक तो जिस समय युद्ध होता है तब लड़ता है, किसान तो रोज लड़ता है। और हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, है उसका तोड़ है। जिस किसान ने भी किया है वो परभणी जिले का शायद किसान है। तो भैया आप फव्वारे से ही इस फसल को वापस अच्छी कर सकते हैं। इफको की जो कंपनी है, जो भारत की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव खाद बनाने वाली कंपनी है, उसने नैनो यूरिया नाम का एक लिक्विड खाद बनाया है, नैनो यूरिया। उस नैनो यूरिया में 500 मिलीलीटर वो नैनो यूरिया आता है। शायद उसकी कीमत में और यूरिया के थैले की कीमत करीब करीब बराबर है। अगर आप नैनो यूरिया एक टंकी में 100 मिलीलीटर, मतलब 5 टंकी बनेगी, 15 लीटर की होती है, अगर आप उस पे छाटेंगे तो जो यूरिया आप जमीन में आप देते हैं या पौधे के पास आप देते हैं या पानी की वजह से नहीं दे पा रहे हैं या हतोत्साहित हो चुके हैं, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, फिर ये बढ़वार लेगा। तो उस किसान को मैं तसल्ली देकर के ये कहना चाहता हूं कि आप नैनो यूरिया काम में लीजिए, फिर बाद में आप ऐसा कीजिए कि एनपीके खाद मिलता है, एक किलो की थैली मिलती है 18 18 18 या 19 19 19, इसकी थैली ला करके 15 दिन बाद आप देखिए कि 15 दिन बाद फिर इसकी जो है एक टंकी में 65 ग्राम के करीब जो है वो एनपीके खाद और 30-35 ग्राम जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, जो सब जगह हर स्टेट के अलग अलग हैं। एरीज बनाता है, दूसरी बहुत सी कंपनी बनाती है। तो इस पानी ने आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी धो दिया, आपके खाद को भी धो दिया, निकाल कर ले गया वो, क्योंकि आप असावधान रहे। मैंने देखा और कल मैंने देखा और आज मैं देखा कि आज काश्तकार ने जो है रिज नहीं बनाई, डोली नहीं बनाई, डोली पर अगर वो बोता तो निश्चित रूप से जो भी ज्यादा पानी था वो जो है बाहर निकल जाता या खड़ा भी रहता तो उसको इतना नुकसान नहीं होता। तो एक गांठ बांध लें किसान भाई कि आप डोली पर ही बुआई करें, रिज रिज एंड फरो, अंग्रेजी में उसको कहते हैं रिज एंड फरो। डोली पर बोने से आपको दूसरा फायदा ये होगा कि हवा चली या ज्यादा गीला हुआ तो वो जो है गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। अगर पानी कम बरसा और पानी की जरूरत थी तो वो डोली बनाने से उसमें जो नमी का बचाव रहेगा, वरना जो खुला जब होता है तो निश्चित रूप से ये सूरज जो है अपना टैक्स ले ही लेता है, ये समुद्र को भी नहीं छोड़ता पानी से, तो जो है ये खेत क्या चीज है। तो भाई एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो बरसात है ये सबको जन्म देने वाली है, ये कीड़ों को भी जन्म देती है, ये खरपतवार को भी जन्म देती है, ये बीमारियों को भी जन्म देती है, चाहे वो पशु हो, वनस्पति हो, कीड़े हो, मकोड़े हो। आपको शायद जो गाय भैंस पालते हैं, भैंसें अधिकतर अगस्त महीने में जो है बच्चा बच्ची देती है, तो बरसात का टाइम ही तो होता है, ये बरसात प्रजनन का समय है।
चाहे बसंत ऋतु भी प्रजनन का समय है, ये आपका अक्टूबर महीना भी प्रजनन का समय है, अषाढ़ महीना भी प्रजनन का समय है। तीन बार पृथ्वी ऋतुमतु होती है, बीज मांगती है, तो बीज इसलिए मांगती है कि ऋतुमतु होती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें, ये सीजन, ये जो पृथ्वी, आप जो भी बीज बोते हैं वो बीज जो है, और वो बीज आपने बलात्कार करके और बोया गया है, जबरदस्ती उस धरती में बोया है, और जो चारा हो जाता है, खरपतवार हो जाती है, वीड्स जो हो जाती हैं, वो उसकी खुद की संतान है। तो वो धरती कभी नहीं चाहेगी कि आपके बोए हुए बीज को पनपने दे, अवैध संतान है वो, तो वो निश्चित रूप से उसको खरपतवार के द्वारा या कीड़ों के द्वारा, बीमारी के द्वारा खत्म करना चाहेगी। तो इसलिए किसान को सावधान होकर जो बीज आपने बोया है उसके लिए हर वक्त सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी धरती जिस पर आपने अवैध बोया है वो तो हर कोशिश करेगी कि उसको खत्म करे। तो ये बिंदु अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से आप जानेंगे कि हमें तो हर वक्त कोशिश करनी है, ये धरती, ये प्रकृति हमारे बोए हुए बीज के, हमारे बोई हुई फसल के लिए कभी भी उसको स्वीकार नहीं करना चाहती है। तो भाई हताश होने की क्या बात है। अब आपने कुछ पत्ते भी दिखे हैं और ये भी देखा है, तो मैंने जो निवेदन किया कि आप नैनो यूरिया छाटिए, जो डेढ़ महीने की फसल हो गई है निश्चित रूप से बढ़वार हो गई, तो 15 दिन बाद आप जो है एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो है स्प्रे करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी फसल जो है बढ़वार लेगी। उस काश्तकार ने बड़ी बेबसी से कहा कि इस फुहार से भी कोई फायदा नहीं होगा, फायदा हो तो फिर वापिस मेरे से बात करना, कि निश्चित रूप से फायदा होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता, कोशिश तो करो। अब रहा सवाल कि क्योंकि बीमारी भी इस समय होती है, खरपतवार भी होती है, और मैं जो ये देख रहा हूं इसमें ये है कि इसमें जैसिड, आपके यहाँ तुड़तुड़ा क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, जो हरा मच्छर है, हरा तेला है, और इसमें जो है थ्रिप्स जो नीचे लगती है वगैरह, जो खुरद के खाती है वगैरह, ये इस समय लगने का सीजन है। इस समय में विशेष सावधानी ये रखनी है कि आपको इसका उपचार निश्चित रूप से करना चाहिए। इस उपचार के लिए भी विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि इस उपचार के लिए हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि इस हमारे उपचार के कारण जो गुलाबी सुंडी है, वो गुलाबी सुंडी कहीं हमारी फसल को नुकसान नहीं कर दे। तो इसके लिए जो पहला जो आप दवाई छांटें, कीटनाशी छांटें, उस दवाई में ये दवाइयां पहली बार में नहीं छांटे, वापिस कह रहा हूं, पहली बार में नहीं छांटे, दूसरी बार में आप छांट सकते हैं, और वो है मोनोक्रोटोफास, जो सामान्य रूप से काश्तकार बहुत आसानी से छांटता है, एसीफेट जो भी पाउडर के रूप में मिलता है इसको भी बड़ी आसानी से छांटता है, डाइमिथियोएट जो रोगोर ट्रोगोर वगैरह इसके नाम से जो बिकता है वो भी नहीं छांटना, एसीटा बिप्रिड और इमिडामिप्रिड, कॉन्फिरोर और कॉन्फी वगैरह, ये भी आपको नहीं छांटना है। अगर आप छांटोगे तो फसल एकदम बढ़वार लेगी, और उससे पिंक बॉलवर्म जो है ना, गुलाबी सुंडी, वो आसानी से आपके खेत में प्रवेश कर जाएगी। तो इसलिए इन दवाओं को छोड़कर क्या छांटना है, क्यूनलफास दवा आती है जो 15 लीटर की जो टंकी है उसमें
30 मिलीमीटर मिलीलीटर क्विनोलफास या आपके पास प्रोपेनोफास है तो प्रोपेनोफास 30 मिलीलीटर या फिर थायडोकॉर्प आता है जो बायर का लार्विन के नाम से आता है और किसी कंपनी का दूसरे नाम से आता होगा वो 30 ग्राम इस प्रमाण में आप जो है दवा छांट सकते हैं और इससे छांटने से ये जो है गुलाबी सुंडी का प्रकोप की संभावनाएं कम रहेंगे। अब रहा सवाल की जैसे ये हुआ है तो आप देखेंगे कि इसमें पत्ती पर धब्बे बनना चालू हो गए हैं और वो धब्बे एंथ्रेक्नोज भी होता है दूसरी बीमारी भी धब्बे वाली होती है एक बैक्टीरियल ब्लाइट होती है जो ज्यादा पानी की वजह से होती है और खड़ी फसल को भी सुखा देती है तो उसके लिए आपको ये करना है कि एक ही बार में मैंकोजेब आता है दवाई मैं टेक्निकल नाम बता रहा हूँ इसको डाइएथेनम 45 के नाम से और कई नाम से जो है बाजारों बिकता है प्रति टंकी 30 ग्राम और स्टेप्टोसाइक्लिन जो दवा आती है जो एंटीबायोटिक्स है आधा ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से अगर आप छांटेंगे तो आप ये जो पत्तों पर लगने वाली बीमारी है बैक्टीरियल बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है और जो फफूंदी से होती है इससे इसका बचाव होगा। तो इस सबसे करने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं मैं तो चाहता हूं काश्तकार कम से कम पैसा लगाए और कम से कम पैसा लगाकर अधिक उपज ले और अधिक उपज के साथ ही शुद्ध कपास पैदा करे। शुद्ध कपास बहुत बड़ी बात है ये अभी जो बदरुद्दीन जी साहब ने ये कहा कि साहब वो आरडी अच्छी होनी चाहिए अरे भाई आरडी तो आपको ही सुधारनी है आरडी कोई मशीनों में जिनर वगैरह नहीं करेगा आरडी आपको सुधारनी है तो उसके लिए कम खर्चे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके घर में अगर छाछ होती है जानवर होंगे निश्चित रूप से गाय भैंस वगैरह होगी तो खट्टी छाछ जिसमें तांबे के तार डाल दीजिए उसको खट्टी होने दीजिए और गौमूत्र अगर आपके पास है गौमूत्र या किसी भैंस का भी है तो नहीं है तो भी भैंस का भी चला सकते हैं लेकिन गौमूत्र ज्यादा बढ़िया। एक टंकी में एक लीटर गौमूत्र एक लीटर खट्टी छाछ ये दोनों मिला करके बाकी का पानी मिला करके आप छाटेंगे तो आपके ये जो हरे मच्छर हैं माहू मोयला क्या बोलते हैं एफिड्स वगैरह ये भी खत्म होंगे और जो तुड़तुड़ा आप जो क्या कहते हैं थ्रिप्स को वगैरह वो भी जो है खत्म होगा। इसके अलावा ये जो ये देगा पोषण भी देगा आपकी फसल को अच्छी करेगा। अगर आपके पानी की कमी हो गई है तो जिसमें नहीं छांटा और जिसमें छांटा 3-4 दिन तक ये वो फसल मुरझाएगी नहीं। तो आम का आम गुठली का दाम यदि आपके घर में गौमूत्र है आपके घर में छाछ होती है किसानों के होती है इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक और विकल्प आपको बताता हूँ और वो ये विकल्प है कि 500 ग्राम लहसुन जो सब्जी में काम आता है प्याज लहसुन जो होता है ना लहसुन 500 ग्राम लहसुन लीजिए और 500 ग्राम हरी मिर्ची लीजिए तीखी वाली उसको पीस लीजिए पीस करके एक बाल्टी में अच्छी तरह उनको घोल लीजिए और 100 लीटर पानी में उनको मिला करके और आप छांटेंगे तो आपके बहुत से कीड़े समाप्त होंगे। तो मैंने दोनों विकल्प आपको बताए हैं और तुरंत फुरत में मैंने नहीं कहा कि भाई आप जो है ना उसको 15 दिन तक छड़ाना और उसमें ये मिलाना वगैरह तुरंत फुरत में आप कर सकते हैं। हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी और इस मेहनत से अगर आप ये छाटेंगे
एक बात और होगा कि ये जितने भी कीटनाशी बहुत भारी जहर हैं, ये कीड़ों को ही नहीं मारते, मनुष्य को भी मारते हैं, और कम मात्रा में हमारे शरीर में जाकर तरह तरह की बीमारी पैदा करते हैं। लेकिन मैंने जो ये उपाय बताया है ये जैविक है, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। छाछ आप कम में लेते हैं और जो गौमूत्र का के भी चिकित्सा होती है, गौमूत्र ब्राह्मणों में तो पिलाया जाता है जनेऊ के टाइम पे और उसके टाइम पे, तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि यही सारी बातें ये जितने भी फोटो देखे हैं उस हिसाब से है। एक बात और कह देना चाहता हूँ, जहाँ घास ज्यादा हो गई है, किसान डरता है कि हम खरपतवार नाशी डालें, नहीं डालेंगे तो नुकसान हो जाएगा। अरे नुकसान तो वो वैसे ही कर रहा है कि वो जो है चारा तो ऊपर हो गया और वो जो है कपास नीचे दब गई है, और निश्चित रूप से अगर उसे समाप्त नहीं किया गया किसी भी तरीके से, चाहे आप जो है ट्रैक्टर से करें, बखर से करें, किसी से करें, हाथ से करें, या फिर खरपतवार नाशी से करें। आप खरपतवार नाशी काम में ले सकते हैं अगर आपके पास सावा वगैरह और इस तरह के खेत में हैं, तो आप इनमें से कोई भी दवाई, सब एक ही है, नाम बता रहा हूँ, विप सुपर, टर्गा सुपर, गोमेन, ये तीनों अलग अलग कंपनियों के एक ही चीज है। आप प्रति टंकी 30 मिलीलीटर मिला करके पानी में, मतलब 15 लीटर की टंकी होती है उसको पानी में मिला करके छाटेंगे तो 3 दिन में आपका घास खत्म, घास सूख जाएगा और आपकी कपास को कोई नुकसान नहीं। तो आपने जो भी फोटो भेजे हैं उसके हिसाब से मैं जितना जानता था मैंने कोशिश की है और ऐसी चीज बताने की कोशिश की जो काश्तकार स्वयं कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद शर्मा जी। आपके कोई सवाल है बालाजी सर, सागर सर, कुछ पूछना चाहते हैं शर्मा जी से? हेलो, नहीं कुछ सवाल है मैडम। ओके सर, ठीक है। हाँ बोला। ये 1.5 महीना हो गया लेकिन सतधार पाउस से वो उसकी हाइट कम हो गई ना, इसे मैंने आपको, मैंने वो फोटो देखा भैया, आप जो भी काश्तकार हैं, मैंने वो फोटो देखा, 1.5 महीने की फसल हो गई है, उसके लिए आप नैनो यूरिया का स्प्रे करें। आपने कहा आप इस पे फुहार मारने से कुछ नहीं होगा, होगा, और फिर उसके बाद एनपीके और उसकी फुहार अगर मारेंगे तो आपकी फसल बढ़िया हो जाएगी, आप हताश ना हो। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ सवाल है? सागर सर? नहीं सर मैडम। ओके, तो अभी मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ। नवरचना एग्रोटेक एफपीओ परळी, ये एफपीओ से जो जो बीओडी मेंबर्स जुड़े हैं उनका मैं थैंक यू, उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ। और एमसीएक से जो जुड़े थे बद्रुद्दीन जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना अनमोल टाइम हमें दिया। और कॉटन गुरु के प्रमुख माननीय श्री मनीष दागा सर, इन्होंने मार्केटिंग के ऊपर हमें मार्गदर्शन किया। और आज का जो अपना वेबिनार हुआ है इसके लिंक यूट्यूब पे भी है, आप कभी भी देख सकते हो। और अभी अपना वेबिनार खत्म हुआ ऐसे में जाहिर करती हूँ, सबको थैंक यू। Thank you.